हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, आज हमारी डेप्रिसिएशन की अगली क्लास है और ये क्लास हमारी जो है वो बहुत प्यारी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बशर्ते कि आप अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखेंगे और अच्छी अच्छी चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी, अच्छी चीजें हैं, नई चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं इसी की तैयारी कराने के लिए मेरे बच्चे पहले सोचता हूं कि आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करूं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 आप बुकलेट का आएंगे, ये क्वेश्चन पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन है और ये मैंने आपको पिछली क्लास में याद होगा आपको बताया था कि जनरली एग्जाम में आजकल क्या देखा जाता है कि क्वेश्चन 4 साल 5 साल 10 साल का नहीं आता, वो 1 साल का ही इन्फॉर्मेशन में आपसे सारे नॉलेज ले लेता है मेरे बच्चे। तो वैसा ही एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हमारे एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप मेरे साथ समझेंगे। आइए जरा 12th क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा है, 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे आप मेरे साथ, कहता है कि पी लिमिटेड विच डेप्रिशिएट्स इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कोई पी लिमिटेड कंपनी मेरे बच्चे अपने मशीन पे 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। कहता है कि हेड ऑन 1st जनवरी 2022 972,000 ऑन डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। कहता है कि उनके मशीन अकाउंट में आपका 972,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है 1st जनवरी 2022 को। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस है ना करंट ईयर का। फिर कहता है ड्यूरिंग 2022 मशीन परचेज ऑन 1st जनवरी 2020 4,80,000 वॉज सोल्ड फॉर 45,000 ऑन 1st जुलाई 2022 एंड ए न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ 150 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। कहता है कि इंस्टॉलेशन चार्जेज आपके 8,000 लग रहे हैं। कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 31st दिसंबर 2022 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है रिमेन द सेम एज बिफोर शो द मशीनरी अकाउंट। बच्चे कहता है कि कंपनी वांट टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मेथड क्या, पहले आपका WDB था, अब हमारा क्या हो गया होगा, SLM हो गया होगा, है ना बच्चे। तो यहाँ पे आपको और कहता है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पहले 10% था, अभी भी 10% ही रहेगा, तो बोलता बताओ क्या करेंगे। चलो शुरू करते हैं, हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं 12th क्वेश्चन का। आप एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन में आप अपने डायग्राम पे सारी बातें लिखिए। हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में मेरे बच्चे स्टार्टिंग जो है ना वो कहता है कि 1st जनवरी 2022 आपका है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और तो इसका मतलब कि ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2022 को हो रहा है आपका। अगर ओपनिंग बैलेंस यहां का बता रहा है तो एंड बैलेंस का 31st दिसंबर का आपका, ठीक है। कहता है कि इस दिन पे आपके पास जो मशीन है, मशीन बहुत सारे मशीन रहे होंगे, जितने भी मशीन आपके पास है ना उनकी वैल्यू कहता है कि 972,000 का है, 972,000 का आपका, ठीक है ना, ऑन द डेबिट साइड आपका। कहता है कि ड्यूरिंग 2022 मशीन जो परचेज किया था 1st जनवरी 2020 को 80,000 का, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है एक्चुअली। क्वेश्चन को मैंने ना, ये पहले होता था बच्चे रिट्रोस्पेक्टिव मेथड, पहले रिट्रोस्पेक्टिव होता था, अब हो गया है प्रोस्पेक्टिव मेथड। तो इस क्वेश्चन को ना मैं प्रोस्पेक्टिव बनाते हुए सॉल्व करूंगा, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। अभी आप आइए, मशीन मेरे बच्चे 972 के है यहाँ पे आपका। कहता है कि ड्यूरिंग 22 में यानी कि करंट ईयर में मशीन जो 1st जनवरी 2020 को परचेज हुआ था 80,000 में, सोल्ड हुआ यहाँ पे कब आपका हुआ जी, ऑन 1st जुलाई यहां मेरे बच्चे 2022 को। कहता है कि मशीन जिसकी कॉस्ट आपका 80,000 था, 80,000 कब कॉस्ट था जी, ये कॉस्ट आपका था ये 1st जनवरी 2020 को, 1st जनवरी 2020 को है ना जिसकी कॉस्ट, उसको आज हमने सोल्ड किया है, सोल्ड फॉर आपका कितने में, 45,000 में, ठीक है ना, ये ऐसा बता रहा है 1st जुलाई को। और कहता है कि आज ही मेरे बच्चे, इसके बाद कहता है कि आज ही एक न्यू मशीन और ब्रैकेट में यहां न्यू लिख देता हूं मैं आपका, क्योंकि यहां M1 M2 की बात तो है नहीं, सारे मशीन इकट्ठा करके बताया हुआ है। नया मशीन कहता है कि हमने यहां पे 1,50,000 का परचेज किया, 1,50,000 रुपए का। कहता है कि इंस्टॉल और इसमें 8,000 खर्च हुआ सेम डेट ना, तो मैं कॉस्ट ही इसका 158 कर दूंगा।
कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 31st दिसंबर, यहां पे आपका चेंज इन मेथड हो रहा है, तो चेंज इन मेथड यहां पे हो रहा है बच्चे, चेंज इन मेथड, ठीक है ना। पहले हमारे पास मेथड क्या था, क्वेश्चन में कहता है कि पहले आपका WDV था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, SLM हो गया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आप चिंता नहीं करना, यहां पे क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ है आप लिख लो, चाहे लिख लो, मैं आगे जो बुक बनाऊंगा उसमें मैं इसको चेंज कर दूंगा। कहता है कि यहां पे कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 31st दिसंबर 2022 बाई SLM कर दो कहीं पे, मतलब कहीं पे यहां पे SLM क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चिंता नहीं करना, बाई SLM आपका, यानी कि SLM मेथड आपका हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे मेथड है जी। तो यहां पे WDV से SLM हो गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है कि सेम रहेगा। शो मशीनरी अकाउंट लिखना यहां पे, आगे लिखना क्वेश्चन में, शो मशीनरी अकाउंट एज्यूमिंग दैट, मेरे बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, उस समय जब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ करता था चेंज इन मेथड के ऊपर में, अब क्योंकि प्रोस्पेक्टिव हो गया है ना, तो अब क्वेश्चन में एक लाइन हमें ऐड करना होगा तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। शो मशीनरी अकाउंट एज्यूमिंग दैट, लिखना यहां पे एज्यूमिंग दैट, बुक में लिख लीजिए आप, एज्यूमिंग दैट रिमेनिंग मशीनरी अपियरिंग ऑन 1st January 2022 हैड ऑल्सो बीन परचेज्ड ऑन 1st January 2020। फिर मतलब मैं उस लाइन को यहां लिख देता हूं दोबारा, मेरे बच्चे 12th क्वेश्चन में एक लाइन आप ऐड कर लीजिए, मैं बाद में बुक में इसको ऐड कर दूंगा। वहां लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट, जहां पे क्वेश्चन एंड हो रहा है उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पे एज्यूमिंग दैट, कहता है कि रिमेनिंग मशीनरी अपियरिंग ऑन 1st January 2022 हैड ऑल्सो बीन परचेज्ड ऑन 1st January 2020। आप इसको नोट डाउन कर लो, मतलब ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है ना। सर रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता था उस पर, रिट्रोस्पेक्टिव, मेरे बच्चे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर रिट्रोस्पेक्टिव में क्या होता था, पता है रिट्रोस्पेक्टिव में जब से मशीन परचेज किया गया है ना तब से चेंज अप्लाई करते थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव में जिस दिन चेंज अप्लाई हुआ उसके आगे हम चेंज करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है जी आगे से, वो एक लंबा प्रोसेस था। अब जब वो रहा ही नहीं तो हम जान के क्या फायदा करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है कि ठीक है, अब बताओ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। आओ ना मैं स्टार्ट करता हूं आपको, बच्चे आप यहां पे बनाइए मशीनरी अकाउंट, आप यहां पे बनाइए मशीनरी अकाउंट, और क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पे मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मशीनरी हमेशा बुक में कौन से प्राइस पे दिखता है, बुक वैल्यू पे, रिटन डाउन वैल्यू पे, आप जानते हैं ना। तो यहां पे 1st January 2022 यहां क्वेश्चन में कहता है कि टू बैलेंस BD, आपके पास जितने भी एसेट्स हैं मशीनरी उन सबका बैलेंस कहता है कि 9,72,000 का अमाउंट आपका है, 972, है ना बच्चे। मैं आगे बढ़ा और चलते चलते अभी 6 महीने गुजरे थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई मत काउंट करना, 1 जुलाई को ही 6 महीने गुजरे थे और एक नया मशीन परचेज किया। तो 1st July 2022 को आप यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन का हमें नंबर नहीं पता मेरे बच्चे, तो मैं इसको ना ब्रैकेट में कर देता हूं न्यू मशीन, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। 1,58,000, ये ब्रैकेट में जो लिखा न्यू, एग्जाम में ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंट्री तो टू बैंक अकाउंट हो रहा है, ठीक है। आज मेरे बच्चे हमने क्या किया है, 1st July 2022 को हमने क्या किया, एक मशीन बेच दिया। ध्यान रखना उस मशीन का कॉस्ट आपको 80,000 बता रहा है इस दिन पे, मतलब कि ये जो कॉस्ट है ना जो आपको बता रहा है वो यहां का नहीं बता रहा है, वो आज से कुछ साल पहले यहां का बता रहा है 1st January 2020 का, कि
यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट, वो कॉस्ट कितने का था जी? 80,000 का। तो मेरे बच्चे पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो मशीन आपने बेचा है जिसकी कॉस्ट यहाँ पे 80,000 की थी, आखिर उसकी वैल्यू इसके अंदर कितनी मिली हुई है ना? क्योंकि जो वैल्यू इसके अंदर मिली होती है, हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम यहाँ पे आ गए आपका वर्किंग नोट्स नंबर 1 के अंदर में। आओ ना, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, लिखिए मेरे साथ कम, ऐसे ही एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आपका बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, ऑफ मशीन ऑन फर्स्ट, सॉरी ऑफ सोल्ड मशीन कर देना, ऑफ जो मशीन बिक गया उसकी बात कर रहे हैं, सोल्ड मशीन, ऑफ सोल्ड मशीन ऑन कब जी? फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जनवरी 2022, जो मशीन बिक गया उसकी यहां पे कितनी वैल्यू थी? तो हम क्या करेंगे, वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन, कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन, जो मशीन बिका उसकी कॉस्ट ऑन कब जी? फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जनवरी 2020, है ना बच्चे? यहां पे वो कहता है कि आपका 80,000 का था, तो हमें उसकी वैल्यू जो यहां पे बता रहा है, हमें यहां पहले जानना होगा जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कब? एज ऑन 31 दिसंबर 2020, चार्ज किया गया होगा ना, रेट मेरे बच्चे 10% है और WDV मेथड है, तो पहले साल में कितना? 8,000, यानी कि वैल्यू उसका बच गया होगा 72,000। फिर आपने एक और डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा एज ऑन 31/12/2021 और वो कितना? 7200, है ना, 10% WDV है। तो मुझे बताइए कि 72,000 का 10% कितना निकल के आ गया? 90% मैंने कि वो माइनस करके, तो ये आ गया 64,800। मेरे प्यारे बच्चों, 31 दिसंबर 2021 का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद यही वो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू एज ऑन 31/12/2021 कह दो या कह दो 1/1/2022, है ना, मतलब जो पिछले साल का एंड का डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू बचेगा वही अगले साल के स्टार्टिंग का हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मशीन आपका बिक गया ना, वो मशीन इसके अंदर कितने का मिला हुआ है जी? 64,800। मेरे बच्चे हमें इसमें से 64,800 को माइनस करना है, और वो माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। आइए देखते हैं क्या प्रॉफिट क्या लॉस, हम उसके लिए क्या करते हैं जी, पहले लिखते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन कब? ऑन 1/1/2022, यानी कि जिस साल में आप मशीन बेच रहे हो उस साल के स्टार्टिंग में, यानी कि इसमें उसकी वैल्यू कितनी मिली हुई है, हमने कहा 64,800, है ना बच्चे? अभी तक के जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया ना, उसमें क्योंकि हम 3 साल 4 साल 5 साल की अकाउंटिंग कर रहे थे, हमें पहले से पता होता था कि जो मशीन बिक गया वो स्टार्टिंग में कितने का है, तो हम डायरेक्टली उसको यहां पे ले लिया करते थे, बट यहां पे हमें निकालना पड़ रहा क्योंकि एक साल की कहानी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं पहले अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल। जरा बताओ कि हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जी यहाँ पे, तो WDV है ना बच्चे, यानी कि 64,800 पे रेट आपका चल रहा है 10% और 6 मंथ्स का हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि 6 महीने ही हमने यूज किया है, तो इसका 10% और 6 मंथ्स का ये 3240 आ गया, तो 3240 को माइनस कीजिए। अब मुझे बताइए कि 64,800 में अगर इसको माइनस करते हैं, 61560 की वैल्यू निकल के आती है, हम इसको क्या बोलते हैं जी, दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल आपका, है ना। जब भी एग्जाम में कोई ऐसे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके, कई बार, कभी 10 नंबर में, कभी यही क्वेश्चन 8 में, कभी यही क्वेश्चन 12 में, मतलब वो अपने हिसाब से नंबरिंग करते हैं, बट 8 से 12 के बीच में ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल आ गया। अब बताओ इसको हमने सोल्ड किया है फॉर कितने में जी? 45,000 में,
है ना बच्चे, 45 पे हमने इसको बेचा है, तो आपको तो लॉस हो गया। आप मुझे बताइए कि लॉस ऑन सेल आपका यहां पे कितना निकल के आ गया। अगर मैं 61,500 में 45,000 को माइनस करता हूं तो 16,560 रुपीज का आपको यहां पे क्या हुआ, लॉस निकल गया। आओ ना हम इसकी एंट्री करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहां पे, एक तो बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया यानी कि 3240 है ना बच्चे, फिर आपने बोला बाय बैंक यानी कि जितने में हमने सेल किया है वो आपका 45,000 का अमाउंट, और जो लॉस हो गया मेरे बच्चे हम उसको क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट या लॉस ऑन सेल, कितना 16,560 का अमाउंट आपका ये निकल गया। कोई अगर मान लो आज की क्लास के बाद जब आप बाहर निकलते हो, कोई दोस्त या कोई रिलेटिव घर में आ जाता है, मिल जाता है, और वो पूछता है कि यार आपने ये एंट्री क्या किया, ये तीन एंट्री क्यों, तो आप बोलना हमारे संतोष सर ने पहले से बताया है कि जो मशीन बिक गया उसकी 64,800 की वैल्यू इसके अंदर में मिली हुई है, वो वैल्यू को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, यानी कि जो मशीन बिक गया ना हमने उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया। वो पूछेगा उसकी वैल्यू तो 64,800 है जी इसके अंदर में, वो कहां दिख रहा है, बोलना कि इन तीनों को ऐड कर लो और ऐड करके चेक कर लेना, वो 64,800 के बराबर ही आएगा, मतलब जो मशीन बिका उसको हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो हमने नया मशीन परचेज किया, पुराने को बेच दिया, समय और आगे चला और साल के एंड में आ गए, और एंड में यानी कि 31/12/2022 को मेरे बच्चे हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और आप जानते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हमें अब नए मेथड से चार्ज करना होगा। हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मशीन है, एक आपका ओल्ड मशीन, एक ओल्ड और एक आपका न्यू मशीन, है ना। एक तो इस पे आपको चार्ज करना और एक इस पे चार्ज करना है। मैं काम करता हूं पहले नए वाले पे चार्ज कर लेता हूं क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है कि नया मेथड आपका एसएलएम हो चुका है, तो इस मशीन का कॉस्ट हमें पता तो है 158,000। आप 158,000 पे 10% निकालिए क्योंकि रेट आपका सेम है, और आप देखो ना 6 मंथ्स आपने यूज किया है तो 6 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन आ गया दैट कम्स टू 7900 रुपीज का अमाउंट आपका ये निकल गया न्यू वाले पे, ठीक है ना। तो 1,58,000 पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब इसमें से मेरे बच्चे जो मशीन आपके पास बचा हुआ है, जो मशीन बचा हुआ है हम उस पे अब रेट और डिप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, है ना, जो मशीन बचा हुआ है। तो मैं काम करूं क्या, मैं इसको हटाऊंगा, सिर्फ इसको हटाऊंगा, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर उसको भी हटा दो बाद में, पहले इसको देखो ना मैं क्या कर रहा हूं। कितना था जी, 560 था ना, ये सर ठीक है। अब देखो जरा यहां पे सी वर्किंग पे आप आइए, सी वर्किंग। एक बात बताओ कि ये सारे मशीन आपके पास बचे हुए हैं क्या, नहीं सर, इसमें से कुछ मशीन बिक गया है। तो पहले मुझे बताओ बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ओल्ड मशीन लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, रिमेनिंग ओल्ड मशीन ऑन 1st 2022। बताइए जो मशीन मेरे बच्चे अभी भी हमारे पास ओल्ड है यानी कि पहले से आ रहे हैं और अभी भी हमारे पास हैं, उनका बुक वैल्यू कितना है 1st 2022 को। आप कहना कि सर देखो ना सारे जो मशीन है ना, सारे मशीन उनका बुक वैल्यू आपका 972 है सारे मशीन, बट इसमें से ये वैल्यू का मशीन बिक चुका, तो 64,800 का जो वैल्यू का मशीन है मेरे बच्चे हमने उसको बेच दिया। जरा बताइए कि आपका यहां पे 9,72,000 में 64,800 को हटा दें तो वैल्यू कितना, 9,07,200 रुपीज का अमाउंट होगा, ये निकल गया। यानी कि जो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ओल्ड मशीन जो है ना, रिमेनिंग वो इतना है। याद रखना चेंज इन मेथड हम उसी पे अप्लाई कर सकते हैं जो मशीन अभी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे बच्चे, जो है हमारे पास, जो बिक गया उस पे क्या चेंज अप्लाई करना। तो हमारे पास ओल्ड वाले मशीन में इतने वैल्यू का मशीन बचा हुआ है ना। मुद्दा समझना, क्या नया मेथड WDB है क्या, बोलो बोलो, क्या जो नया मेथड जो अभी आपका होगा वो WDV है क्या? नहीं सर, अगर नया मेथड मेरे बच्चे WDV होता तब तो इस पे मैं सिंपली 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज कर देता, क्योंकि WDV में जो वैल्यू हमारे पास बचा होता हम उसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं,
बोलो ना। हाँ ठीक बोल रहा हूँ ना। यस सर। लेकिन मेरे बच्चे नया मेथड क्या है? एसएलएम है। और अगर नया मेथड एसएलएम है तो आपको इन मशीन का कॉस्ट जानना पड़ेगा, कॉस्ट कि हमने ये मशीन एक्चुअली परचेज कितने में किया था। क्योंकि एसएलएम में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, एसएलएम के अंदर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, वो रेट हमेशा हम कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। हमें इस मशीन का कॉस्ट जानना पड़ेगा। सर कैसे जानेंगे? दो तरीका है, क्योंकि मेरा काम अभी आपको समझाना है। दो तरीका है, दो में से जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल लेना, जो मन करे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में अभी आपको बता रहा है, ये जो मशीन आपके पास है ना, ये जो मशीन है, कहता है कि इनको भी एज्यूम करो कि आपने यहीं पे परचेज किया था इसी डेट पे। मतलब कि हमें जानना होगा ना बच्चे कि ये मशीन, अगर हमें इसका कॉस्ट निकालना है तो हमने इसको कब परचेज किया था, उस समय कॉस्ट कितना था। तो एग्जामिनर ने क्या किया, कब परचेज किया वो बता दिया कि भैया फर्स्ट जैन के ही परचेज किया, वही आप मान लो और आप इसका कॉस्ट निकाल लीजिए। तो मैं आपको कॉस्ट निकालने का दो तरीका बताता हूं, जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से काम कर लेना। आप देखो मैं यहां पे डी इसी में लिखो ना, डी क्या इसी में लिख रहा हूं यहां पे, लेट मान लो कि कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ओल्ड मशीन, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बता रहा मेरे बच्चे कि जो रिमेनिंग ओल्ड मशीन है उनकी कॉस्ट कितने में स्टार्टिंग में थी। इसका बता रहा था ना कि जो मशीन आपने यहां पे 45 में बेचा है उसका डेट ऑफ परचेज भी बता रहा था और उसका कॉस्ट भी बता रहा था। लेकिन इनका हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम कॉस्ट निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत हो रही है। डेप्रिसिएशन का रेट दिया ना, हमने कहा कि मान लो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ओल्ड मशीन ऑन फर्स्ट 2020, यानी कि जब वो परचेज हुआ था ना, मान लो मेरे बच्चे उसका कॉस्ट उस समय 100 रुपीज था। जब वो परचेज हुआ था उस टाइम पे मान लो कि उसका कॉस्ट आपका 100 था। सर 100 क्यों माने? कुछ भी मान सकते हो, 10 मान लो, 50 मान लो, आपकी मर्जी है। बट 100 जनरली हमने बचपन से पढ़ा है जी, कि मानने के लिए जो चीज निकालना होता है तो 100 मान लिया। फिर मेरे बच्चे अब यहां पे लेस करो, आप देखो उस समय से लेकर और इस समय तक 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए गए होंगे। तो एक तो आपका डेप्रिसिएशन एज ऑन 31/12/2020 को चार्ज किया गया होगा, कितना? 10%, यानी कि 10 रुपीज। तो कितना बच गया होगा? 90। फिर एक बार और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया होगा जी, डेप्रिसिएशन एज ऑन आपका 31/12/2021, कितना? 10% है ना, यानी कि 9 रुपीज। तो 81 इसकी जो वैल्यू बच गया, ये हो जाएगा आपका बुक वैल्यू ऑन या तो 31/12/2021 कह दो, या इसी को कह दो 1/1/2022, आपकी मर्जी है, क्योंकि जो इसका एंड होगा वो आपका इसके बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, हम बड़े बच्चे, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं। पता है क्या है, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया ना, ये जो इक्वेशन बनाया, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपको पता रहेगा तो हम बाकी की कोई चीजें निकाल सकते हैं। मतलब सर मैं आपको देखो यहां पे समझा रहा हूं, मैं इसको मिटाऊंगा और यहीं पे मेरे बच्चे आपको ना यहां पे निकालूंगा। लिखिए मेरे साथ यहां पे सी के अंदर में, सी का एक काम करो ना, सी में इसको 1 कर दो, सी में इसको 2 कर दो, और सी में ही 3 लिखो। यहां पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ओल्ड मशीन ऑन 1/1/2020। ये पता हम क्यों काम कर रहे हैं? बिना कॉस्ट निकाले बगैर हम एसएलएम किस पे चार्ज करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि एसएलएम हमेशा हम क्या करते हैं, कॉस्ट पे चार्ज करते हैं। तो मेरे बच्चे देखो मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताओ कि रिमेनिंग ओल्ड मशीन का बुक वैल्यू कितना पता है आपको? ये देखिए 9,07,200। तो हमने कहा कि भैया 9,07,200, ये जो रिमेनिंग ओल्ड मशीन है ना, इनका बुक वैल्यू पता है। मुझे बताओ ये 9,07,200 इसमें किसके बराबर है? ये जो हमने इक्वेशन बनाया मेरे बच्चे, बताइए कि 9,07,200 इनमें से किसके बराबर है? सर ये जो वैल्यू है ना, ये 1/1/2022 की वैल्यू है। तो 1/1/2022 मेरे बच्चे ये 81 के बराबर है, 81 के बराबर। याद करो बचपन में जब चौथी पांचवी क्लास में थे, आपके छोटे छोटे सर हुआ करते थे, उन्होंने आपको बताया है कि जो फिगर आपको पता होता है, जो वैल्यू आपको पता होता है, ये वैल्यू जिसके बराबर
बराबर है ना, हम उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 81 के बराबर है, हम उससे डिवाइड करेंगे। कहते हैं कि जो आपको निकालना है, जो निकालना है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन में। तो हमें ये वैल्यू निकालना है ना बच्चे, इस दिन पे उसकी वैल्यू कितनी थी जो 100 के बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ जरा ये वैल्यू कितना निकल के आ गया, बताओ ये वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9,07,200 डिवाइडेड बाई आपका 81 इंटू 100, ये आ गया मेरे बच्चे 11,20,000, 11,20,000 रुपए का आपका। अच्छा, यानी कि जो मशीन आपके पास यहाँ पे 9,07,200 का था, वो जब हमने उसको परचेज किया था मेरे बच्चे, तो जो हमने अमाउंट पे किया था वो इतना अमाउंट का था, काम खत्म हो गया। अब हमें इस 11,20,000 पे क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लिखो ना यहीं पे, फोर्थ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ओल्ड मशीन ऑन 31st 12 2022, कौन से मेथड से, बाय SLM एट द रेट ऑफ 10%, SLM से। तो हमने कहा कि भैया 11,20,000 पे हमने पूरे साल उसको यूज किया है, तो 10% एक साल का कितना हो जाएगा आपका, 1,12,000 का अमाउंट आपका, 1,12,000 रुपए। तो आपने क्या करना है, 1,12,000 का आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मेरा काम खत्म हो गया मेरे बच्चे, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया जी, 1,19,007 रुपीज का अमाउंट आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। और आज 31st 12 2022 को जरा बताओ बाई बैलेंस सीडी कितना, बाई बैलेंस सीडी कितना। तो देखो दो तरीका निकालने का, या तो ओल्ड वाले का अलग निकाल लो, न्यू वाले का अलग निकाल दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब यहीं पे हमें क्वेश्चन खत्म करना है, अगले साल की अकाउंटिंग करना ही नहीं है, तो ओल्ड और न्यू का वैल्यू अलग अलग क्यों निकालूंगा, इनको ऐड करूंगा, इसमें से इनको माइनस करूंगा, जो वैल्यू आएगा वही क्लोजिंग हो जाएगा। मतलब सर 9,72,000 प्लस 158,000 जो नया परचेज किया, माइनस कीजिए, ये तीनों मिला के कितना था हमने, वो 64,800, वो माइनस कीजिए आपका 119,700 का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 9,45,500 रुपीज का, ये वैल्यू आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आप मुझे मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो, आप कहते हो कि सर आप प्रूफ करो कि ये जो ओल्ड वाले का नए वाले का अगर वैल्यू अलग अलग निकालेंगे तो इतना ही आएगा। मैं प्रूफ कर देता हूं, कोई परेशानी मुझे थोड़ी ही है, मैं हर एक काम मेरे बच्चे विश्वास के साथ करता हूं। ये देखो आप मुझे बताओ, इसमें जो मशीन आपके पास बचे हुए हैं, जो बिक गया उसको हटा दो, जो बचे वो कितने के थे, 9,07,200। तो मेरे बच्चे 9,07,200 की वैल्यू में से जरा बताओ इस साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 1,12,000, तो 1,12,000 को माइनस कर देना, फिर जो वैल्यू आएगा उसको लिखना, और जो नया आपने इस बार परचेज किया है 1,58,000 का, उसमें से आप 7,900 रुपीज की वैल्यू को माइनस करना, जो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो लिखना, इन दोनों को ऐड करना, ब्रह्मा बीजी आ जाए, ब्रह्मा भगवान भी आ जाए, तो इस वैल्यू को यहां पे चेंज नहीं कर सकते, सेम वैल्यू निकल के आएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं इतना समय इतने तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट टारगेट एग्जाम में मार्क्स लेना होता है, द वे आई हैव एक्सप्लेन हियर, तो आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर आपने इस वैल्यू को निकालने का कहा था, एक और भी तरीका है, आपने दो तरीका कहा था, आपने तो एक ही तरीका बताया, दूसरा तरीका कहां है, दूसरा तरीका और भी सिंपल है बदमाश, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा तरीका आप समझ गए होंगे। पता है क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, और ये जो वैल्यू मेरा निकल के आया ना, ये वैल्यू जो आपका कितने का था जी, 11,20,000 का, इसको निकालने का एक और भी सिंपल तरीका है, बिना इस काम को किए बगैर। देखो कैसे, सुनो मेरी बात, आपको 9,07,200 की वैल्यू पता है ना, ये तो वैल्यू पता है ना कि जो मशीन है बच्चे उसकी बुक वैल्यू आज कितने की है, रिमेनिंग मशीन का लिख दिया हमने। अरे अभी अभी कुछ समय पहले इसी के बेसिस पे आपने यहां पर सॉल्व किया था, ये देखो जो मशीन बिक गया था उसकी कॉस्ट मेरे बच्चे यहां पे 88 का डेप्रिसिएशन फ्री इतना, फिर उसकी वैल्यू आज इतनी रह गई थी। मैं कहां कहता हूं कि 100 मानो, कुछ भी मान सकते हो, मान लो जब इस जो रिमेनिंग मशीन है उनका डेट ऑफ परचेज और इस मशीन का डेट ऑफ परचेज अगर सेम है तो मैं इसी से वो काम कर सकता हूं। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा भैया 9,07,200 ना वो
आज की वैल्यू के बराबर है, मतलब इसके बराबर, तो मैं उसको 64,800 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे जहां की वैल्यू निकालना है, यहां का कॉस्ट निकालना है ना, तो मैं निकालूंगा कि 80,000 के इक्विवेलेंट उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी। जरा चेक करो, यहां भी मेरे बच्चे 11,20,000 की ही वैल्यू निकल के आएगी, जो इसके बराबर है। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी सिखा रहा हूं यार, मैं कह रहा हूं कि ये क्यों दोबारा करोगे जब हमें यही 100 जो है वो आपका 80,000 के बराबर है, ये 10 आपका यहाँ पे 8,000 के बराबर है, 9 आपका 7,200 के बराबर है, तो 81 जो है वो इसके बराबर है, तो ये क्यों मैं इसी से फिर क्यों ना भर जाऊं यार। हम बेवकूफ थोड़े ही है, हम समझदार हैं, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम COC के बच्चे हैं। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे ना आज आपको बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, और उस गंदे गंदे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते समय ना, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है आपको, और ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है। ये मेरे बच्चे आपके बुक में नहीं है। सर क्यों बुक में नहीं है? क्योंकि जब मैंने बुक बनाई थी ना, उस समय मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को ना मैं मतलब कि बुक में नहीं डाल पाया, लेकिन जब मैं कल रात को सोया था, सपने में शंकर भगवान मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि देखो जी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है, और अगर आपने अपने बच्चों को ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया तो उनका जो नॉलेज होगा ना वो अधूरा नॉलेज माना जाएगा, और अगर आपने अपने बच्चों को अधूरा नॉलेज दिया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अगली बार आपका जन्म जो होगा ना कीड़े का होगा। मैं डर गया मेरे बच्चे, मुझे कीड़े का जन्म नहीं चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, और इसलिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन को क्रिएट किया। आप इस क्वेश्चन को क्लास के बाद लिख लेना, क्लास के बाद। मैंने इस क्वेश्चन को ना यहाँ पे अपना स्क्रीन, मतलब मैंने पेपर पर रखा हुआ है, मैंने इसको पेपर पर रखा हुआ है, तो मैं तो यहीं पे देख के सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको भी क्वेश्चन को साथ साथ देखना है, इसलिए बेहतर होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं काम करूं क्या, वो पॉसिबल है? मैं एक बार देखता हूं ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज मैं इसको ना नोट वन में खोल के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता, पॉसिबल है। रुक जाओ, मैं आपका समय बचाता हूं, एक दूसरे ऐप में इसको ओपन करता हूं, वन नोट के अंदर में शायद बात बन जाएगी। यहां पे ये वन नोट में आ गया मैं, और वो कैसे दिखता है, ये संतोष सर की बातें, और मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं, और फिर मैं इसको, ये जो क्वेश्चन है बस एक सेकेंड ये मुझे दो, मैं इस क्वेश्चन को यहां लेकर आ जाता हूं। ठीक है, इंसर्ट एज प्रिंट आउट। चलो, आपका जो परेशानी है मैंने खत्म कर दिया, आपके पास क्वेश्चन यहीं पे दिखेगा, और हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे। ये लीजिए, अब आप स्क्रीनशॉट लो या ना लो, बाद में तो पक्का आपको लिख लेना है अपने रजिस्टर में। तो अभी आप जो इसका सॉल्यूशन करोगे ना, जहां सॉल्यूशन करोगे उसके ऊपर आधे पेज का जगह छोड़ देना आप, जहां पे आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चेक कीजिए आप यहां पे अब क्या निकल के आता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे, और आप एक काम करो मेरे बच्चे, लिख दो यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मतलब मुझे, मेरा मानना है, आपके संतोष सर का मानना है कि इस क्वेश्चन के आने के भी बहुत बहुत ज्यादा चांसेज है। जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बने थे एक दो बार, तो पता नहीं आपके जो एग्जामिनर है कुछ समय से शांत है, बट कब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और बच्चों के बीच में भूचाल मच जाएगा, वो भूचाल हमारे बच्चों के साथ ना, इसलिए क्वेश्चन कराता हूं। सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप। कहता है कि सीओसी, अब नाम तो सुना ही होगा सीओसी का, मैं क्या बताऊं, चेहरे पर स्माइल कम रखो और क्वेश्चन पढ़ो आप। सीओसी लिमिटेड हैड फॉलोइंग एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2022। मेरे बच्चे कहता है कि इतने सारे आपके पास एसेट्स हैं ऑन 1 जनवरी 2022, क्या क्या जी, ईयर ऑफ परचेज 2001 में आपने 5 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज किया था, उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 थी, एंड टोटल लाइफ ऑफ एसेट्स आपका 12 इयर्स था, 12 साल आपका। 2011 में मेरे बच्चे एक एसेट परचेज किया था 7 लाख का, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप है ई नहीं है, गलती से लिख दिया गया है, स्क्रैप वैल्यू यहां पे नील है, और 10 इयर्स का आपका लाइफ।
2018 में 6 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू आपका 50, लाइफ कहता है कि 11 साल। 2021 में एक एसेट परचेज किया जो 9 लाख का है, स्क्रैप वैल्यू आपका 1 लाख एंड टोटल लाइफ ऑफ एसेट्स आपका कहता है कि 20 इयर्स। ड्यूरिंग 2022 मतलब करंट ईयर में, ये भी एक साल का ही कहानी है, एक साल का ही क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, कहता है कि 2022 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए में ये कह रहा है कि आप यहाँ पे 2020 में आपने एक नया मशीन परचेज किया है। इसका भी स्क्रैप वैल्यू और एस्टीमेटेड है बच्चे, एस्टीमेटेड लाइफ। ये गलत टाइप किया बदमाशों ने, मैंने इनको बोला था ठीक से टाइप करने के लिए, बट एनीवे एस्टीमेटेड लाइफ जो है वो कहता है कि 25,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है एंड लाइफ कहता है कि 5 ईयर्स है रिस्पेक्टिवली। फिर कहता है कि 17 जुलाई 2023 को फर्स्ट मशीन कहता है कि जो 2001 में परचेज हुआ था ये वाला मशीन, वो हमने सेल कर दिया 2700 में, और कहता है कि प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 इयर्स, 2 साल का आपको बनाना है, एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग कब हो रहा है 31 दिसंबर को। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल, कहता है कि जिस साल में आप एसेट को परचेज करोगे या जिस साल में आप एसेट को बेचोगे आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, है ना बच्चे। आप प्लीज देखिए क्वेश्चन को, आपका एग्जाम्पल 2 क्या है अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्वेश्चन 1 पे आपको पूरा फोकस करना है। सर एक अजीब सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास कहीं भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है। सर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, मेरे प्यारे बच्चों आपको मेरी पहली क्लास याद करनी पड़ेगी, मेरी पहली क्लास में याद कीजिए, जब क्वेश्चन के अंदर में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना कैसे सिखाया था, जब स्क्रैप वैल्यू और आपको यहां पे लाइफ दिया रहता था, याद कीजिए मैं आपको यहां समझा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है कि अगर जैसे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 5 लाख रुपीज का मशीन है जी, और जो 20,000 है माइनस करो, मतलब आप एसेट का पता करो कि डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू वो कितना आ गया 480, और उसको आप लाइफ से डिवाइड करते थे, यानी कि डेप्रिशिएबल लाइफ से डिवाइड करते थे, फिर आपका डेप्रिसिएशन आता था, वो आपका 40,000 निकल के आ गया पर ईयर। याद आ रही बात आपको, हमने बताया था आपको, आप शायद भूल गए कि जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में नहीं होता है तो 100% की श्योरिटी है मेरे बच्चे कि एसेट का जो लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि लाइफ और स्क्रैप वैल्यू से फिर उस एसेट्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुद्दा यहां पर कुछ और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करूंगा। प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 इयर्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, आपका 2022 एंड 2023, मतलब कि क्वेश्चन को बताना चाहिए कि कौन से 2 साल का अकाउंटिंग करना है, तो 2022 का एंड 2023 का अकाउंटिंग करना है, 2001 से आपको अकाउंटिंग शुरू नहीं करना मेरे बच्चे, जिस साल के स्टार्टिंग में जो बात बता रही है वहां से शुरू करना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और फिर मैं अब इसको किनारे में यहां पर रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। आइए जरा मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का आपको कराऊंगा यहां पे सॉल्यूशन, लिखो मेरे साथ यहां पे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, यहां पे थोड़ा मोटा कर दूं क्या, ये सर ये लीजिए सॉल्यूशन कर रहा मेरे बच्चे आपका एग्जाम्पल 1 का, एग्जाम्पल 1 का मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। क्या क्या बोलना बनाने के लिए, वो कहता है कि भैया आप बनाइए मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं काम करता हूं ना, यहां फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं यहां बनाऊंगा, मैं यहां करता हूं सॉल्यूशन कर रहा हूं मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 का। ये लीजिए मैंने आपके लिए बनाया यहां पे मशीनरी अकाउंट, याद रखना 2 साल की हमें अकाउंटिंग करना है, 2 साल का। तो एक तो हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, ये रहा हमारा मशीन अकाउंट, और मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके, और ये रहा आपके रजिस्टर पे ना हाफ पेज तो लेना ही लेना है, और बेटर होगा मेरे हिसाब से अगर आप जगह की कंजूसी ना करें तो आप ना अपने पास एक काम करो, रजिस्टर के 2 ऐसे जो पेज है ना, मतलब जो आपका रजिस्टर है उसका 2 ऐसे एक साथ पेज लीजिए, मतलब कि पेज पलटने का चक्कर नहीं, यहां पे बनाओ मशीनरी अकाउंट, यहां बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जगह थोड़ा बर्बाद होगा, एक पेज बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, लेकिन आपको क्या करना है ऐसे ही कीजिए ताकि जगह कम ना पड़े बस। तो आप यहां पे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं और मैं इसी के साथ साथ यहां पे
आपके लिए बना देता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये रहा आपका यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। ये दोनों हमें दो दो साल के बनाने हैं। लीजिए मैंने क्या किया, यहां भी इसका हमने फॉर्मेट ले लिया। आप दो पेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली दो साल की अकाउंटिंग है ना, तो जगह कम ना पड़े, क्योंकि यहां पे बहुत सारी बातें करनी है। अब मेरी बात सुनो, आप जानते हैं कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो मशीन मेरे बच्चे हमेशा कौन से प्राइस पे दिखता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपके पास कहता है कि 1 जनवरी 2022 को ये सारे मशीन आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, यहां पे आप लिखो टू बैलेंस बीडी। ये सारे जो आपके पास मशीन है ना, इन सब का कॉस्ट कितना हो गया, जरा एक बार ऐड कीजिए, 9 + 6 = 15, 20, 20, ये सभी मिला के मेरे बच्चे 27 लाख रुपीज के हैं। तो मैं यहां पे 27 लाख रुपीज यहां लिख देता हूं, 27 लाख रुपए है ना, 27 लाख का मशीन हमारे पास है। और यहां गंदा नहीं करना चाहता तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो 27 लाख का मशीन हो गया। हमें जानना होगा मेरे बच्चे, ये डेट क्या था आपका, 1 जनवरी 2022। हमें जानना होगा यहां पे कि 1 जनवरी 2022 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहां पे बाई बैलेंस बीडी कितना है, हमें जानना होगा। तो आप जानते हैं कि जितना डेप्रिसिएशन हमने आज तक चार्ज किया होगा बच्चे, वो सब कुछ आपका यहां पे इकट्ठा होकर आता है। तो आओ ना, मैं वर्किंग नोट्स शुरू करता हूं। लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स नंबर 1। सर अब वर्किंग कहां करें, झगड़ा मत करो, इस पेज को छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, जितना जगह बच गया कोई बात नहीं, आप इस पेज को भी छोड़ दो और अगले पेज पे आप वर्किंग करो। अगले पेज पे जगह यहां बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हौचपोच नहीं होनी चाहिए, मैं यही चाहता हूं मैं, क्योंकि दो साल के अकाउंटिंग में बातें बहुत सारी यहां पर चलनी है, बहुत सारी बातें अभी होनी है। लिखेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ, वर्किंग नोट्स नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज ऑन 1st 2022, है ना बच्चे। आपके पास 1st 2022 को कितना प्रोविजन का बैलेंस ऑलरेडी दिख रहा होगा, वो कहता है कि जरा बताओ कितना आपका। सुनो ना मेरी बात, देखो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, हमारे पास ना कौन कौन सा मशीन है, एक है पहले वाले को मैं M1 कह देता हूं, पहले वाले को M1, जो कि हमने कब परचेज किया था, 2001 में, तो मैं यहां पे 2001, या फिर एक काम करो ना, 1 को हटा दो, M कर दो, M 2001। फिर दूसरा मशीन जो है ना M, उसका नाम दे देता हूं 2011, मतलब कि ये नाम तो हमारे ऊपर है ना, हम कुछ भी दे सकते हैं, तो जो ईयर ऑफ परचेज है उसके हिसाब से M, और यहां कर देता हूं 2018 आपका, एंड चौथा मशीन जो पहले से आ रहा है वो M आपका 2021, ठीक है। आओ जरा मेरी बात सुनो, देखो यहां पे कितना प्रोविजन होगा मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए कि M1 पे आपका M1 की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए, और 5 लाख में जो 20,000 का स्क्रैप वैल्यू है उसको हटा दीजिए, यानी कि 480 का वैल्यू हमें डेप्रिशिएट करना है, कितने साल में, देखो लाइफ कितना बता रहा है, 12 ईयर्स। तो जितनी वैल्यू हमें डेप्रिशिएट करना है ना, हम उसको क्या करेंगे, उसका जो एस्टीमेटेड इकोनॉमिक लाइफ होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या क्या डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय। अब आप चेक करो कि कितने साल तक आप इस पे डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज कर चुके हो। आज तक का मतलब क्या, जो हमारा 2022 है ना बच्चे, इसके स्टार्टिंग तक कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, मेरी बात सुनिए, लाइफ आपका 12 ईयर्स है, एंड 2001 में आपने इसको परचेज किया था। क्वेश्चन कहता भैया जिस साल में परचेज हुआ या जिस साल में सेल हुआ, उस साल का हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, मतलब आपने जिस साल में परचेज किया उस साल में आपने एक दिन यूज किया या 100 डेज यूज किया या 200, हमें मतलब नहीं पड़ता, हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जरा सोचो कि जो मशीन 2001 में आपने परचेज किया था, जो मशीन आपने 2001 में परचेज किया था, उसके अभी तक यानी कि 2022 तक कितने साल गुजर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो पूरे 12 इयर्स का जो लाइफ है ना, वो उसका खत्म हो चुका है। काउंट करो ना, 2001 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 साल में, यानी कि जब 2012 रहा होगा ना, उसका पूरा इकोनॉमिक लाइफ डेप्रिशिएट हो चुका होगा। तो यानी कि हमने आज तक उसको पूरे 12 इयर्स में हमने डेप्रिशिएट कर दिया है। सर उसके बाद क्यों चार्ज करेंगे,
याद कीजिए मेरी पहली क्लास, मैंने आपको क्या बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मोटिव क्या होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है बच्चे, कि ये जो 5 लाख का कॉस्ट है ना, वो हम प्रॉफिट लॉस में इस खर्चे को एक साल में दिखाने के बजाय हमने गवर्नमेंट को बोला है कि भैया हम उसको 12 साल में दिखाएंगे। गवर्नमेंट हमें कहा कि 12 साल में दिखाओ, तो 12 ईयर्स में जितना वैल्यू उसका डेप्रिशिएट हो चुका है, हम उसको खर्च के रूप में दिखा दिए। जब एक बार खर्च के रूप में दिखा दिया, अब उस एसेट्स को अगर आप यूज भी करते हो, हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। लॉजिक समझो, जब जितने आपने खर्चे किए हैं मेरे बच्चे उस मशीन के ऊपर में, अगर वो खर्च ऑलरेडी हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के रूप में दिखा चुके हैं, तो फिर काहे का डेप्रिसिएशन, मतलब ही नहीं बनता। इसलिए कहा गया है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं इकोनॉमिक लाइफ में, न कि फिजिकल लाइफ में। मतलब कि उसका इकोनॉमिक लाइफ जो है ना, 12 साल, जितने साल में हमें डेप्रिशिएट करना है, वो खत्म होने के बाद भी एसेट्स बिजनेस में यूज होंगे या हो सकते हैं, लेकिन आपका इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको डेप्रिशिएट फिर से करते रहेंगे। वो अलाउड ही नहीं है, अपने खर्चे उसके ज्यादा नहीं किए हमें। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? लॉजिक पे काम करो, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है? तो हमने कहा कि भैया 12 ईयर्स में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है जी, तो पूरे 4,80,000 का हम ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। सर 480 क्यों? 5 लाख चार्ज करना था ना? ना मेरे बच्चे, जो स्क्रैप वैल्यू है वो तो गवर्नमेंट कहते हैं कि भैया आपको तो बेच के मिल ही जाएगा, आप उसको थोड़े डेप्रिशिएट करोगे, वो थोड़े खर्च के रूप में दिखा सकते हो, वो हमें अलाउड नहीं है। तो माफ कीजिए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन हम उतना ही दिखाएंगे जितना ये निकल के आता है, ठीक है ना? आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू डिवाइड बाय डेप्रिशिएबल लाइफ, और टिल डेट जितने साल इसमें से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? यानी कि 480 हो चुका है। अब आइए दूसरे मशीन पे, मुझे बताओ सेकेंड मशीन की कॉस्ट कितनी है? 7 लाख रुपीज। बताओ जरा इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? निल, जीरो। मुझे बताइए इसका लाइफ कितना है? 10 ईयर्स। क्या इस 10 ईयर्स में से कितने साल अभी तक आपके खत्म हो चुके हैं? कितने साल खत्म हो चुके हैं? क्यों नहीं लिख रहा बदमाश? कितने साल खत्म हो चुके हैं? कितने साल? तो देखो ना यहां पे, 2011 में मेरे बच्चे इसको आपने परचेज किया था, 2011 में। एक बच्चे करते हैं 10 साल कब खत्म होगा? 2011 का डेप्रिसिएशन, जिस साल परचेज किया उस साल का भी चार्ज कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 यानी कि 2020 तक में ही पूरा हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो उसके बाद थोड़ा ही होगा। यानी कि 10 साल खत्म हो चुके हैं ना, तो हम लोग कहेंगे कि भैया पूरे 10 इयर्स आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके पैसा ऑलरेडी कितना, 7 लाख रुपीज यहां पे प्रोविजन में जमा करके आप ऑलरेडी रखे हुए हो, ठीक है ना? ये भी हमारा खत्म हो गया। तीसरा मशीन बचे जो 2018 में परचेज किया था, उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, ठीक है? मुझे बताओ इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000 माइनस किया। मुझे बताइए इसका लाइफ कितना है? लाइफ कितना है सर? 11 इयर्स, 11 से डिवाइड करो। कितने साल इसकी लाइफ खत्म हुई है अभी तक? कितने साल? देखो ना, 18 2018 19 20 21, अभी 22 नहीं मेरे बच्चे, 22 करंट ईयर है, उसका डेप्रिसिएशन अभी हमें चार्ज करना है। हम तो निकाल लें जिस साल का अकाउंटिंग करना है उस साल के स्टार्टिंग तक, यानी कि पिछले साल तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो 4 इयर्स तो हुआ, दोबारा देखिए 18 19 20 21, 4 इयर्स का अभी तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो इंटू आपका 4 इंटू 4, बताइए ये अमाउंट कितना निकल के आ गया? बताओ जरा ये अमाउंट कितना? तो 550 डिवाइड बाय आपका 11 इंटू आपका 4, ये आ गया मेरे बच्चे 2 लाख। 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। एंड जो ये 9 लाख वाला है ना, जो लास्ट मशीन आपने जो पहले से परचेज करके रखा हुआ है 9 लाख, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना बता रहा है जी? 1 लाख रुपीज। तो 8 लाख की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। लाइफ बता रहा इसका 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स। बताओ कितने साल अभी तक खत्म हुए हैं? सर 2021 में परचेज किया था, तो एक ही साल खत्म हुआ, 22 तो अभी करंट ईयर है, एक साल। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1, बताइए ये कितना निकल के आ गया? तो 9 माइनस 1 आपका 8 लाख हो गया, और 8 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो मेरे बच्चे 40,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया। बताइए ये टोटल जो आपका आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया जी? तो आप चेक करो ना, 40 प्लस 2 लाख प्लस 7 लाख और प्लस आपका 480 का अमाउंट, ये आ गया मेरे बच्चे 14 लाख एंड 20,000, 14,20,000 रुपए।
यानी कि आज तक या कह दो कि पिछले साल तक हमने 14,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, वो 14,20,000 में क्या करता हूं यहां पे रिकॉर्ड कर देता हूं 14,20, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि सर हमें ये जो डिटेल है उसको यहां लिख दो, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने वर्किंग में वो डिटेल यहां पे दिखाया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। मैं क्यों लिखूं यार, नहीं लिखूंगा, मुझे गंदा नहीं करना, मुझे अच्छा लग रहा है यहां पे, यही चीज बार बार वहां क्यों लिखूं मैं, ठीक है ना। तो हमने वो क्या किया, समझ रहे मैं क्या बोला था कि अब इसमें यहां डिटेल लिख दो कि यार पहले मशीन पे इतना प्रोविजन है, दूसरे पे इतना, तीसरे पे इतना, चौथे, जो कि ऑलरेडी यहां दिखा रहा हूं, तो हम समय क्यों बर्बाद करेंगे एग्जामिनर को बार बार एक ही चीज को दिखाकर। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखो जरा अब 2022 में क्या हुआ। सर डायग्राम नहीं बना लोगे, डायग्राम बना लो ना, उसके बिना मुझे मजा नहीं आता एक्चुअली। डायग्राम में मेरे बच्चे ये फर्स्ट 2022 है और ये आपका 31/12/2022 है। यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंसेज दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस हमने यहां पे लिख दिया। अब कहता है कि नया मशीन हमने 22 में परचेज किया है 1,00,000 रुपए का, तो इस साल हमने एक नया मशीन परचेज किया है मेरे बच्चे। अब वो जो न्यू मशीन है वो कब परचेज किया वो नहीं बता रहा है, देख लो कब परचेज, हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि डेट का यहां कोई मतलब ही नहीं है। जिस साल में आपने मशीन परचेज किया, एक घंटा भी अगर उस साल मशीन हम यूज कर लेंगे, हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है जी। आप नया मशीन परचेज किए ना, लिखो ना यहां पे कि आपका टू बैंक अकाउंट, और मैं इसका नाम ना ब्रैकेट में दे देता हूं, कौन सा मशीन हो गया 2022, जैसे बाकी का नाम दिया था उसी तरीके से इसका नाम दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। कितने का मशीन है, 1,00,000 रुपए का, ये लीजिए हमने 1,00,000 रुपए का मशीन ले लिया। फिर कहता है कि 17 जुलाई 2023, मेरे बच्चे वो अगला साल है, 1/1/23 से लेकर आपका 31/12 कहता है कि 23 में, अगले साल में कहता है कि 17 जुलाई को यहां कहीं 17 जुलाई को वो कहता है कि हमने कौन सा फर्स्ट मशीन, यानी कि जो हमारा M2001 था मेरे बच्चे पहला मशीन, वो कहता है कि हमने सोल्ड कर दिया है। कितने में सोल्ड किया है जी, 2700 रुपए, 2700 रुपीज में, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, हमने काम खत्म करना है। आओ जरा आप आगे बढ़ते हैं, पहले हम इस साल की तो बात करें फिर अगले साल की बात करेंगे। मेरे बच्चे हमने मशीन परचेज करने की एंट्री कर ले, साल के एंड में आ गए और साल के एंड में क्या करना है जी, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में साल के एंड में यानी कि 31/12/2022 को हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा, और अब मैं यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं आपके लिए कि कौन कौन सा मशीन पे कितना, क्योंकि सब पे मैं चार्ज करना है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि एम पहले वाले का नाम क्या था, 01, अब 01 ठीक है, क्यों 2001 लिखूंगा, 01 ठीक है। फिर दूसरा मशीन का नाम क्या था जी, एम आपका 11 था, 11। तीसरा मशीन का नाम क्या था जी, एम 18 था आपका, 18। और चौथा मशीन का नाम क्या था, M21 आपका, ठीक है ना। और पांचवा मशीन जो अभी परचेज कर लिया, M22 आपका। इतने सारे मशीन है, आप समझ रहे हो ना मैंने क्यों बोला था कि जगह छोड़ना, क्योंकि बातें बहुत सारी जानी है, ठीक है ना। तो हमें यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है मैं चाहता हूं कि उसको भी वर्किंग में दिखाऊं, और वर्किंग नोट्स नंबर 2 में यहां पे बनाऊंगा। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहीं पे मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। आप अलग कर रहे हैं बच्चे, ये दो पे छोड़कर जहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 1 किया, आप उसके बाद लिख रहे हैं वर्किंग नोट्स नंबर 2, तो लिखिए यहां पे वर्किंग नोट्स नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपका 2022। ध्यान रखना, वी डू नॉट नो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ यू डोंट नो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ एंड द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। तो आइए जरा शुरू करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले M2001 पे चार्ज करते हैं, यानी कि 01 वाले पे, ठीक है ना। सुनो कितना, एक बात बताओ कि मेरे बच्चे जो आपका M1 है उसकी कॉस्ट कितने की है, 5,00,000 रुपीज, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, 20,000, ठीक है। लाइफ उसकी कितनी है, 12 इयर्स। जरा बताओ क्या इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या,
क्या उसमें करंट ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज नहीं करेंगे? टेन जो लाइफ है ना, 12 ईयर्स, वो खत्म हो चुका है। उसकी वैल्यू मेरे बच्चे जितना डेप्रिशिएट करना था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस साल हम डेप्रिसिएशन कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा? नील निकल के आएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ, कहीं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर, ठीक है। अब आइए यहां पे एम, आप यहां पे आएंगे, एम आपका दूसरा मशीन कौन सा है जी? 11 वाला, ठीक है। मुझे बताइए उसकी कॉस्ट कितनी है? 7 लाख रुपीज। आप मुझे बताओ उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? नील। लाइफ उसका कितना है? 10 इयर्स। क्या उसका कोई लाइफ बचा है क्या? नहीं सर, वो भी लाइफ फुल्ली डिप्रिशिएट कर चुका है। तो नील वैल्यू उसका भी पूरा हो चुका है ना, उसका भी पूरा आपका हो चुका है, नील आपका निकल गया। अब आइए आपका तीसरा, यानी कि एम आपका 18, ये तीसरे मशीन की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। तीसरा मशीन जो था ना, 6 लाख रुपीज उसका कॉस्ट था। उसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया था जी? 50,000। उसका लाइफ कितना बता रहा था? 11 इयर्स आपका। मुझे बताओ क्या उसका अभी लाइफ बचा है क्या? यस, बचा हुआ है। ये देखो आप, टोटल लाइफ कितना है? 11। और 11 में बच्चे अभी तक सिर्फ 4 साल ही वो डिप्रिशिएट हुआ है, यानी कि करंट ईयर उसका 5वां साल है। 5वां करंट ईयर, यानी कि 1 साल का, पूरे 1 साल का हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना निकल के आ गया आपका? 50,000 का अमाउंट आपका। हमें तो सिर्फ 1 साल का, 5 साल का थोड़ा निकालना है, 4 साल का तो पहले चार्ज हो चुका है। हम करंट ईयर का निकाल रहे हैं, करंट ईयर में कितना है? 1 साल है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना, वो निकाला जा रहा है आपका, ठीक है। अब जरा आइए आप यहाँ पे, एम कौन सा है जी आपके पास? 21, M21। सुनो ना, वो कितने का था आपका? 9 लाख रुपीज का। 9 लाख रुपीज में से आपने क्या किया जी? कितना डिप्रिशिएट कर दिया, हटा दिया? 1 लाख की वैल्यू, 1 लाख की वैल्यू। मुझे बताओ लाइफ उसका कितना है? सर 20 इयर्स है उसका लाइफ का, इस बार का, करंट ईयर का, है ना। एक ही साल तो अभी खत्म हुआ था, एक ही साल डिप्रिशिएट हुआ था, तो इस बार भी करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका? 8 लाख को ये 40,000 का अमाउंट आपका, 40,000, है ना। 8 लाख/20, यानी कि, और जो अभी नया मशीन परचेज किया M22 मेरे बच्चे, वो कितने का था? 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपए में जरा बताओ उसका स्क्रैप वैल्यू कितना आपके पास है? 25,000, ठीक है, 25,000। मुझे बताइए जरा उसका लाइफ कितना है? ये देखो लिखा हुआ 5 इयर्स, 5, और उसका भी पहले साल का, यानी कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो 75,000 को हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, यानी कि 15,000, 15,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया जी? 105, 1,05,000। कैलकुलेशन आप लोग साथ साथ चेक करेंगे, कहीं गलती ना हो। तो मेरे बच्चे हमने 1,05,000 का टोटल यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, प्लीज कॉपी करेंगे। और ये बात मेरे बच्चे यहां मैं लिख रहा हूं कि इस पे डेप्रिसिएशन आपका नील हो गया, दूसरे वाले पर भी आपका डेप्रिसिएशन नील हो गया, तीसरे वाले पे डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है 50,000, चौथे वाले पे आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 40,000, और पांचवे वाले पे, यानी कि जो करंट ईयर में परचेज किया उस पे 15,000। टोटल कितना हो गया जी? 1,05,000। 1,05,000 रुपए हमने इस बार क्या किया? और यहां पे चार्ज कर दिया 1,05,000। अब मेरे बच्चे 22 हमारा खत्म हो चुका है, क्योंकि 22 खत्म हो चुका है, तो मैं साल के एंड में, यहां तो इसको मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, साल के एंड में, यानी कि 31st 12 आपका 22, यहां पे हम क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी, और सारे मशीन जो आपके पास हैं उनका कॉस्ट कितना जी? 27+1 28 लाख के जितने भी मशीन अभी आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका टोटल कॉस्ट यहां लिखा जाएगा 28 लाख रुपीज। ये आपका क्या हो गया जी? 28 लाख, है ना, 28 लाख का अमाउंट। समझ लो ना, हम मशीन को कॉस्ट प्राइस पे दिखा रहे हैं। पर बच्चे जब तक मशीन आपके पास एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो डेप्रिशिएट हो चुका है, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर मशीन अभी आपके पास एग्जिस्ट है, बिजनेस में चल रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको बुक में दिखाते हैं। वही काम हमने यहां पे किया। और जरा चेक करो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका 31st 12 2022 तक आपका टू बैलेंस सीडी कितना हो चुका है? मेरे बच्चे M01 पे चेक कीजिए कितना है, M आपका 11 पे कितना है, M18 पे कितना है, M आपका 21 पे कितना है, और M आपका 22 पे कितना है। हमें ये वैल्यू कब चेक करना होगा? आप देखो ना,
एम वन पे कितना, नजरिया नजरिया, ये जो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में था ना बच्चे, उस पे एम वन पे कितना था 480, ये देखो आप, ये यही तो मिला के 1420 लिखा था, तो 480 इसमें मिला हुआ है। करंट ईयर में कोई डेप्रिसिएशन नहीं, इस पे आज भी वैल्यू कितना है 480, 480, तो हमने इसको 480 लिख दिया, ठीक है ना। एम इलेवन पे यानी कि सेकेंड वाले पे 7 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, इसमें 7 लाख मिला है, यहां पर मेरे बच्चे कुछ भी नहीं, तो टोटल कितना रह गया 7 लाख रुपीज का अमाउंट। ये देखो तीसरे वाले पे 2 लाख रुपीज का पहले से डेप्रिसिएशन हमने इसमें चार्ज करके रखा हुआ है 50 और, तो 250 का अमाउंट आपका यहां पर हो गया, 250 का अमाउंट। चौथे वाले पे देखो आप यहां पर 40,000 पहले से इसमें जमा करके रखा था, 40 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 80,000। और लास्ट वाले पे देखो पिछले साल तो कोई मशीन था नहीं, कोई प्रोविजन था नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, जो इस साल चार्ज किया वो आपका 15,000 यहां रह गया। इसको बाहर कीजिए, टोटल बताइए कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, तो 480 प्लस 7 लाख प्लस 250 प्लस आपका 80,000 और प्लस मेरे बच्चे 15,000, ये आ गया 15,25,000। ये 15,25,000 का आपका यहाँ पे अमाउंट निकल गया है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, मैं काम करूं ना, अब इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे उसको आगे बढ़ाना है। मैंने कहा था, याद कीजिए, कि आपको 2 पेज पूरे लेने होंगे, यहाँ पे वर्किंग ज्यादा हो जा रहा है। जब भी क्वेश्चन छोटा होगा ना, 1 साल 2 साल का, तो वर्किंग एक्चुअली बढ़ ही जाता है, वर्किंग बढ़ ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सब कुछ जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो मेरे एग्जाम में ना बच्चे ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में आए हुए थे, 16 मार्क्स मेरे एग्जाम में नहीं, मतलब मेरे आसपास में हो गया टाइम, अभी बहुत टाइम हो गया, आई थिंक पौने 200 साल करीब हो चुके हैं जब मैं एग्जाम दिया था, आपके जैसा छोटा बच्चा था उस टाइम पे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, और कई बार आ चुके एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके, पता नहीं मैंने बुक में कैसे नहीं लिखा, जबकि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो तो अच्छा हुआ वो विष्णु भगवान का, जो मेरे सपने में आके उन्होंने मुझे बता दिया कि क्वेश्चन नहीं कराओगे बच्चे को तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए बना दिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, 1 साल की और कहानी अभी चलनी है, देखते हैं अगले साल क्या होता है ना। मैं इसको पहले नीचे तक ले लेता हूं, और ये हमारा क्या हुआ मेरे बच्चे, ये समय खत्म हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। पिछला साल हमारा एंड हो चुका है, हम अगले साल में एंट्री करने वाले हैं, तो ये 1525 आप चेक कर लो कि यहां पर भी आपका 1525 ही आएगा, आना ही था, जितना हमने पहले से चार्ज किया प्लस जितना करंट ईयर में उसको ऐड करके तो दिखाया है। तो अगले साल में यानी कि 1st 23 में आप लिखिए मेरे साथ बाय बैलेंस बीडी, हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल कितना है जी, 15 लाख एंड 25,000 का अमाउंट, 1525 वो 15 लिखा हुआ, 1525 आपका, और मशीन जो मेरे बच्चे 31st आपका 12/2022 को यहां पे 2 बैलेंस बीडी, जितने भी मशीन हमारे पास है उनके कॉस्ट कितना है 28 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 28 लाख रुपए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, बहुत ध्यान से अब अगले साल की बात सुनिए। अगले साल में एक छोटी सी कहानी हुई है, काम खत्म करो, हमें उसके बाद कुछ नहीं करना। वो कहता है कि 17 जुलाई को मेरे बच्चे फर्स्ट मशीन आपने बेच दिया, तो एक काम करो, यहां से 17 जुलाई को 23 में आप यहां पे क्या बोलेंगे, बाय मशीन सोल्ड अकाउंट। और कौन सा मशीन बिका है जी आपका, कहता है कि आपका फर्स्ट मशीन यानी कि 01 वाला अकाउंट आपका, ठीक है ना। एक काम करो, उस मशीन की जितनी भी कॉस्ट है बताओ, कि M1 की कॉस्ट कितने की थी, 5, कॉस्ट मेरे बच्चे ये कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है, इसमें 5 लाख मिला हुआ है, हम उस 5 लाख को यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 5 लाख रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और इमीडिएटली आप क्या करेंगे, यहां पे मशीन सोल्ड अकाउंट आप ओपन करेंगे, मशीन सोल्ड अकाउंट आप यहां पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा जगह वहां पे कम पड़ जाएगा, मैं इधर थोड़ा सा लेने की कोशिश करता हूं, इधर की जगह ये लीजिए मेरे साथ, बनाएंगे आप यहां पे मशीन सोल्ड अकाउंट, छोटा सा ही है, कुछ ज्यादा इसमें तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया, यहां पे आपका मशीन सोल्ड अकाउंट बनाया, डिस्पोजल अकाउंट, स्क्रैप्ड अकाउंट मैंने कहा हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, 01 ब्रैकेट में, और यहां पे हमने क्या बोला जी, आपका टू टू
मशीन अकाउंट से यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, 5 लाख रुपए, आपको 5 लाख रुपए, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब क्या होगा मेरे बच्चे, आपको क्या करना है कि पहले 2023 का आप पहले उस मशीन पे यहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। और कौन से डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं यहां पे, वही दिन आपका जब बिका था, क्या डेट था आपका जी, वो डेट क्या था, 17 जुलाई। ये भी एंट्री कब हो रहा है, ये एंट्री आपका 17 जुलाई की एंट्री है ना, 17 जुलाई। और यहां पे भी क्या करेंगे, 17 जुलाई को, जुलाई आपका यानी कि 7 होता है 2023 पे, हम लोग यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन से मशीन पे जी, M01 के ऊपर में, M01 के ऊपर में हम यहां पे डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ M01 पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, आप मुझे बताइए कि M01 है यानी कि पहला मशीन है मेरे बच्चे, वो 2023 में कितना डेप्रिशिएट होगा, बोलो ना सर, जीरो, क्योंकि उसका 12 इयर्स के लाइफ में वो पूरा डेप्रिशिएट पहले ही हो चुका है। हम यहां पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे मेरे बच्चे, कुछ टाइम होता तो हम चार्ज करते हैं अगर इस साल वो आपका कुछ होता तो, क्योंकि वो उसकी लाइफ जो है पहले ही खत्म हो चुका है, फुली डिप्रिशिएट हो चुका है, तो दोबारा थोड़े चार्ज करेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, फिर यहां पे 17 जुलाई 2023 को आप यहां से जो भी पैसा है ना मशीन सोल्ड अकाउंट के नाम पे उसको निकाल दो, मशीन सोल्ड अकाउंट के नाम पे, यानी कि आपका 01 के नाम पे निकालिए, बताइए कितना है। ये देखो इसमें M1 पे कितना है जी, 480, तो हम क्या करेंगे, 480 निकाल लेंगे, 480 तो सिर्फ निकलेगा, क्योंकि आप ये जो इस साल तो कुछ हमने चार्ज किया ही नहीं है ना, वो पहले से डेप्रिशिएट हो चुका है, तो हमने 480 निकाल लिया। और यहां मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे, आपका बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आपका, 4,80,000, 480, ठीक है ना। इसके बाद जरा बताओ ये मशीन बिका है कितने में, कहता है कि इस मशीन को 2700 में बेच दिया, तो जितने में बेच दिया, बाय बैंक अकाउंट कितने में जी, 2700 में। और जो मेरे बच्चे लॉस हो गया बेचने पे, वो कहां चला जाएगा, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, ये बैलेंसिंग फिगर। बताइए आपको लॉस कितना हुआ इस मशीन पे, कितना लॉस हुआ, तो आपका 20,000 माइनस 2700, तो ये कहते हैं कि 17,300 का अमाउंट आपका ये लॉस हो गया, खत्म हो गई बात, यही तो काम करना है, खत्म हो गई बात, यही तो काम करना है, समझो मेरी बात ना। हाँ, एक सवाल हो सकता है कि बाद में आपका दिमाग में आ जाए कि सर पहले वाले मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू यहां पे था वो तो 20,000 था, 20,000 रुपए था, तो फिर वो 2700 में क्यों बिका। मेरे बच्चे वो 20,000 जो था ना, वो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू होता है, आप भूल गए पहली क्लास, हम वहां बस एस्टिमेट लगाते हैं कि यार बेचूंगा तो कितना मिलेगा, एग्जैक्ट थोड़े हमें पता यार कितना मिलेगा, 2700 में बिका तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, अगर कम में बिका ना तो वो कम वाला वैल्यू भी प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में दिखा देना। पहले आप डेप्रिसिएशन दिखा रहे थे ना, जितना कम में बिका उस लॉस को भी प्रॉफिट लॉस में दिखा देना, डेप्रिसिएशन भी आप प्रॉफिट लॉस में दिखा रहे थे, लॉस को भी प्रॉफिट लॉस में दिखा देना, क्या दिक्कत है, और काम खत्म करो, झगड़ा नहीं करना, मतलब झगड़े की बात नहीं है यहां पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, तो काम मेरा खत्म हो गया मेरे बच्चे, काम खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, नाउ विल क्लोज द अकाउंट्स, क्योंकि अब तो कुछ हुआ नहीं है। तो बताइए मशीन अकाउंट में साल के एंड में यानी कि 31/12/23 में आपके पास बाय बैलेंस बीडी, अब मशीन यहां कितना बचा, याद रखना इस 28 में से जो मशीन आपका कितने का था, 5 लाख का, उसको हमने हटा दिया, तो मेरे बच्चे 28 में 5 लाख हटा दो, बाकी मशीन जो है ना 23 लाख वाला वो रह जाएंगे आपके पास यहाँ पे, तो 23 लाख रुपए में वो दिखा देंगे और ये हमारा काम खत्म हो गया, समझो मेरी बात ना। तो हमने इसको खत्म किया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपका 31/12/2023 को लिखे यहां पर टू बैलेंस सीडी, ठीक है ना, ओ माफ कीजिए, उसके पहले हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, 31/12/23 में आप लिखेंगे फिर से यहां पे क्या जी, डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो M01 खत्म हो चुका है, वो बिक चुका, अब हम चार्ज करेंगे M11 के ऊपर में यानी कि सेकेंड मशीन, फिर M आपका 18 के ऊपर में है ना बच्चे, फिर आपका M21 के ऊपर में, और एक नया मशीन जो आया था M22 के ऊपर में, चार मशीन पे चार्ज करना है, मेरी बात सुनिए,
ये जो सेकेंड मशीन है इसका भी पूरा लाइफ खत्म हो चुका है, देख रहे हो अपना पूरा खत्म हो चुका है, तो उस केस में इस पे कितना करंट ईयर का होगा, नील अमाउंट आपका। जो M18 है मेरे बच्चे, आप देखो उसका 4 साल पहले से खत्म हो गया था, एक हो गया 22 में, 5 साल ही तो खत्म हुए, उसका 6th ईयर है, 6th साल, तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, करंट ईयर का कितना हो जाएगा, डायरेक्टली करो ना आप 6 लैक्स माइनस 50, अब 550 डिवाइड बाय 11 × 1 यानी कि 50,000, तो यहां पे आपका 50,000 का डिप्रिसिएशन हो गया। M21 पे आप चेक करेंगे, उस पे भी हम पूरे साल का चार्ज करेंगे, तो 9 माइनस 1 8 लैक्स, 8 लैक्स को 20 से डिवाइड किया, 40,000 × 1 40,000, तो यहां पे 40,000। और जो आपका M22 है मेरे बच्चे, यानी कि जो इस साल परचेज किया था आपका, उस पे कितना हो गया जी, तो उस पे हम 15,000 चार्ज कर रहे हैं, 15,000 रुपए मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो यहां भी क्योंकि हम पूरे साल का चार्ज कर रहे हैं, जिस साल परचेज करो उस साल भी कितना हो गया, अगेन अमाउंट कम्स टू 1,05,000, 1,05,000 रुपए, ठीक है ना। तो आपने ये भी कर दिया, नाउ विल क्लोज द अकाउंट्स। अब टू बैलेंस सीडी लिखो कि हमारे पास अगर हमें सबका दिखाना है कि भैया M11 का बैलेंस कितना रह गया, M18 पे हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, M21 पे हमारे पास बैलेंस कितना रह गया, और M22 का हमारे पास प्रोविजन में बैलेंस कितना रह गया। सुनिए मेरी बात मेरे बच्चे, साल के स्टार्टिंग तक M11 का 7 लैक्स था, 7 लाख रुपए, यही तो था इसका स्टार्टिंग, और 7 लैक्स के बाद करंट ईयर में कितना, नील, तो 7 लैक्स ही रह गया। ये बैलेंस हम तब तक आपके अकाउंट में रहेगा जब तक ये मशीन सेल ना हो जाए, स्क्रैप ना हो जाए। 250 यहां तक था, 50 और हो गया तो 3 लैक्स का अमाउंट हो गया, 3 लाख रुपए का अमाउंट। 80,000 यहां पे था, 40 और हो गया तो 120 का अमाउंट आपका यहां पे हो गया, 120 का अमाउंट, और 15 प्लस 15 आपका यहां पे 30,000 का अमाउंट हो गया है, बताइए बाहर कितना, तो 7 प्लस 3 10 11 11 50, 11,50,000 रुपए, 11 50 11 50 काम मेरे बच्चे मेरा खत्म हो गया। यही तो क्वेश्चन आपका है, यही तो क्वेश्चन है, आप जब इनमें इसको ऐड करोगे और इसको माइनस करोगे तो भी आपका यही अमाउंट निकल के आएगा, यही अमाउंट निकल के आएगा। अरे बात मेरी समझ में आई, अच्छा क्वेश्चन है, बिलीव कीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन की गहराई और जानना है अपनी शक्ति कि आपके अंदर में कितने पावर आ चुके हैं, एक बार बाहर जाके किसी भी बच्चे से, कोई भी बच्चा जो आपके साथ पढ़ रहा होगा, आपका दुश्मन होगा, वो खासकर वो रिलेटिव जो घर में आते हैं ना और आके अपने बच्चे की बढ़ाई करते हैं, उनके बच्चे को देना ये क्वेश्चन कि जरा सोल्व करके दिखाओ। अगर वो बच्चा उसी टाइम पे आधे दिमाग का नहीं हो गया, वो सनक नहीं गया, पागल नहीं हो गया, या उसके मतलब समझ लो शर्म से वो पानी नहीं गिरने शुरू हो गए पूरे चेहरे से, तो आप बोलना कि संतोष सर आप तो मजाक करते हो, ऐसे बोलते रहते हो, अदरवाइज सच्चाई है मेरे बच्चे, ये वो रिलेटिव जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, उनके बच्चे को पकड़ना, उनके पापा मम्मी के सामने उनको बोलना कि सोल्व करो, करो सोल्व, फिर देखना उनकी क्या हालत होगी, फिर तो मजा आएगा, खुशी उसमें मिलती है, हाँ, ऐसे थोड़े हमें कुछ लेना है। तो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, और इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही आज क्लास चलेगी। आज की क्लास में हम जितनी सारी बातें करेंगे, हमारे पास रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा, हम इसी तरीके के क्वेश्चन निकालेंगे एग्जाम में आपके आए हुए, प्लीज कॉपी करेंगे इसको आप, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 2, मैं पहले कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इधर आऊं, क्या इधर आ सकता हूं, नहीं, ये बदमाश मुझे अलाउ नहीं करता, अदरवाइज मैं इधर ही आता। बट एनीवे मैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर मैं यहां पे क्या करूंगा कि मैं दूसरे वाले क्वेश्चन सोल्व करूंगा, यहां पे मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। अब पता मैं क्या करूंगा, आप मेरे, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, उसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के दिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या बता रहा है, एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आप एज्यूम करें कि ड्यूरिंग 2023 15th अक्टूबर को सेकेंड मशीन भी बिक गया है, वॉज सोल्ड फॉर 9,000, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो तो है ही है, उसके साथ 15 अक्टूबर को एक और मशीन बेचा है बच्चे 9,000 में, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर्स, एज्यूमिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट टू बी मेंटेन्ड। लो, शायद मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मान लो हमें मेंटेन नहीं करना तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसका जवाब यहां है मेरे बच्चे। ये ऐसी चीज है,
रात में जब सोया था ना, जब भगवान वो ब्रह्मा जी जब मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा था ये क्वेश्चन बच्चों को करा देना। मैंने कहा कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ होगा, कैसे समझाऊंगा बच्चों को। उन्होंने ये मुझे बोतल दे दिया। ये मेरे बच्चे वो अमृत है जो हमें हमारे इंद्र भगवान ने दी हुई है। उन्होंने कहा कि इसको पी के कुछ भी पढ़ाओ तेरे बच्चों को समझ में आ जाएगा। वही करता हूं मेरे बच्चे और कुछ नहीं। तो मैं अब आपको एग्जाम्पल नंबर टू पे आना चाहता हूं, और एग्जाम्पल नंबर टू को सोल्व करने के लिए पता मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे सोल्यूशन को यहां पर मिटाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यहीं पे आपको सब कुछ दिखाऊं, तो मैं ना यहां पे सब कुछ इसको मिटाऊंगा। और यहीं पे मेरे बच्चे, यहीं पे मैं क्या, सिर्फ इसको नहीं मिटाऊंगा, ये जो हमने काम किया था अदरवाइज, क्योंकि मुझे पता है इसको दोबारा हमें करना है, बाकी सब कुछ मिटाऊंगा। और यहीं पे मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर भी करके दिखाऊंगा। अगर आज आपने तारीफ नहीं अपनी सुनी अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, रिलेटिव से, वो बदमाश दोस्तों से, तो फिर क्या फायदा उनको बताना कि देखो हमने क्या सोल्व किया है। और आप कैसे कर पाओगे, आप तो छोटे छोटे बच्चे हो। अक्सर बच्चे सोचते हैं यार हमने तो 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, वही यहां पे होगा। अरे वो कैसे हो सकता है, हम प्रोफेशनल बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो चीज कैसे कर सकते हैं, वही चीज कैसे होगा, गलत बात है। अरे जल्दी मिट जाए यार ये, इस पे इसलिए मैंने लिखता, इस पे हाथ मेरा ऐसे चलता नहीं। अरे यहां तो ये भी चल रहा है, चलो फिर यही ठीक है, मुझे लेके यहां पे हाथ मेरा नहीं चलता, चल रहा है बच्चे, लेकिन ये मिटता वैसे नहीं है जैसे वहां पे नोट 5 पे मिटता है। चलो आ जाओ मिट जाए बदमाश। आई जरा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ देता हूं अभी मैं और आपको सोल्व करता हूं एग्जाम्पल नंबर टू का सोल्यूशन, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर टू का। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। बनाइए मेरे साथ यहां पे मशीनरी अकाउंट, बिल्कुल नया पेज, बिल्कुल नया पेज मशीनरी अकाउंट। और क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे मेंटेन नहीं हो रहा है, यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग मशीन को कौन से प्राइस पे दिखाते हैं, वी शो मशीन अकाउंट एट द बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू जो लिख रहा हूं आपके लिए, एग्जाम में मत लिखना ये मशीन अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट 2022 को लिखिए यहां पे टू बैलेंस बीडी मशीन का बुक वैल्यू। मैं यही दिखा दूं क्या, हमारे पास M01 है, हमारे पास मेरे बच्चे M आपका 11 है, हमारे पास M यहां पे 18 है, और हमारे पास M यहां पे 21 है, पहले से चार मशीन है ना 22 के स्टार्टिंग में। जरा मुझे बताओ कि M1 की बुक वैल्यू कितनी दिखेगी। तो मेरे बच्चे M1 की जो कॉस्ट थी ना, M1 की कॉस्ट कितने की थी जी, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट थी। 5 लाख में याद कीजिए, ये देखो आप 480 आप डेप्रिशिएट कर चुके हो, 480 आप इनका डेप्रिशिएट कर चुके हो, तो इसकी वैल्यू कितना दिख रहा होगा आपका, 20,000 रुपए। मतलब जितना उसका डेप्रिशिएट होने वाली वैल्यू है वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। और मेरे बच्चे डेप्रिशिएट पूरी वैल्यू हो जाने के बाद, मतलब 480 जितना मैक्सिमम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, उसके बाद मशीन हमेशा बुक में कौन सा दिखेगा, स्क्रैप वैल्यू पे, क्योंकि जो स्क्रैप वैल्यू है ना 20,000 हमने उसको डेप्रिशिएट नहीं किया, देख रहे हो आप, उसको माइनस करके बाकी डेप्रिशिएट किया था, तो ठीक है। उसी तरीके से जो आपका M11 है, M11 मेरे बच्चे 7 लाख का था, 7 लाख उसकी कॉस्ट थी, और 7 लाख में हम आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, पूरे 7 लाख। तो अगर 7 लाख चार्ज कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू कितना दिखेगा, नील। सर नील क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि इसका कोई स्क्रैप वैल्यू पहले आपने एस्टिमेट किया नहीं था, और पूरे 7 लाख रुपीज आपने डेप्रिशिएट कर दिया है, नील आपका। मेरे बच्चे तीसरा मशीन जो आपका 6 लाख रुपीज का था कॉस्ट, यानी कि जितने में आपने परचेज किया था 6 लाख में, आज तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, 2 लाख रुपीज। तो 6 में 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, यानी कि 4 लाख की वैल्यू इसकी बची हुई है। और ये जो 21 वाला था मेरे बच्चे, 9 लाख रुपीज कॉस्ट था, कॉस्ट उस कॉस्ट में से हमने कितना 40,000 का डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया है,
तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8,60,000 की थी। याद रखना, कहीं आप ऐसा ना करना कि यार यहां पे जो मैं 9 लाख लिख रहा हूं ना, आप 9 - 1 8 लिख देना, गलत हो जाएगा। कॉस्ट, हमने बुक वैल्यू का मतलब क्या, कॉस्ट लेस आज तक का डेप्रिसिएशन, कॉस्ट जो उसकी कॉस्ट है उसमें से हम आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो बताइए कितना आ गया, 860 प्लस 4 लैक्स प्लस आपका 20,000, ये आ गया आपका 12,80,000। तो मेरे बच्चे 12,80,000 रुपए यहां पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। सुनो ना मेरी बात, आपका सुनो ना, डायग्राम आप बना चुके हैं। 22 में मेरे बच्चे वो डेट नहीं बता रहा था, तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे टू बैंक अकाउंट, या यहां पे ड्यूरिंग द ईयर लिख दो आप, डेट नहीं बता रहा वो, ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में अपडेट नहीं बता रहा, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में कौन सा जी, आपका M22 उसका नाम दे दिया हमने, नया जो मशीन परचेज किया था वो कितने का था, 1 लाख रुपीज का, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे इस साल के एंड में आ गए, और साल के एंड में यानी कि 31st 12 2000 आपका कौन सा 22 में हम यहां पे क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन बोलेंगे ना, बोलो ना। हाँ, अरे डेप्रिसिएशन होगा ना बच्चे यहां पे इस साल का, कौन कौन सा मशीन पे, तो एम आपका 01 पे, एम आपका 11 पे, एम 18 पे और आपका एम 21 पे। सर कितना डेप्रिसिएशन होगा वो निकाला था आपने, अरे मेथड कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट थोड़े चेंज होगा। देखो ना, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है मेरे बच्चे, उसमें चेक कीजिए कि 2022 में हर एक मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था। अच्छा, एक नया मशीन भी था M22 आपका, है ना, चार्ज जो इस साल परचेज किया। देखिए पहले वाले पे हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है नील 22 में, दूसरे वाले पे भी डेप्रिसिएशन कितना है जी नील आपका, तीसरे वाले पे डेप्रिसिएशन कितना था आपका 50,000, है ना, बिल्कुल सेम चीज। चौथे वाले पे डेप्रिसिएशन कितना था 40,000, पांचवे वाले पे डेप्रिसिएशन कितना आपका 15,000, टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना 1,05,000, 1,05,000 रुपए। क्लियर ना, ये सर। तो आज मेरे बच्चे 31st 12 2022 को आप लिखिए यहां पे बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया, एम आपका 01 का, एम आपका 11 का, एम 18 का, एम 21 का और एम आपका 22 का, ठीक है ना। तो हमने इसका हमें निकालना है कि आखिर वैल्यू कितना निकल के आएगा। मेरी बात सुनेंगे, 20,000 में जीरो डेप्रिसिएशन तो 20,000 की वैल्यू बच गई, नील में नील चार्ज किया तो नीली वैल्यू बच गया आपका यहां पे, 4 लैक्स में 50 डेप्रिशिएट किया तो वैल्यू बच गया 350 का। अब बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं हम लोग यहां पे 350 का, 860 में 40 गया तो 820 की वैल्यू यहां निकल के आ गई, 820 का अमाउंट, और आपका पांचवा मशीन जो 1 लाख का परचेज किया था 15 डेप्रिशिएट हुआ तो 85,000 की वैल्यू बच गई। इनको बताइए प्लस करके अमाउंट कितना, 85,000 प्लस 820, फिर मेरे बच्चे 350 का अमाउंट, और फिर आपका यहां पे 20,000 का अमाउंट। सुनो जरा, ये 12,75,000 की वैल्यू निकल के आ रहा है, 1275। मैं धीरे धीरे समय को आगे बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये समय आज कैसे गुजर रहा है। हमने कुछ भी अभी तक नहीं किया है, ना कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट समय को रुक जाना चाहिए था यार। ये 1380 का अमाउंट हो गया, 13,80,000 रुपए 1380 का, और यहां पे भी कितना हो गया 1380 का वैल्यू आपका, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगले साल कुछ होगा, हम देखते हैं क्या होगा अगले साल। मेरे बच्चे यहां पे लिखिए आप मेरी बात, फर्स्ट 2023 को मशीन का आपका टू बैलेंस बीडी, यही तो हो जाएगा 12,75,000। क्या मैं ये जो डिटेल इसमें जो लिखा इसको दोबारा लिखूं, नहीं रिक्वायरमेंट है, यहां ऑलरेडी लिखा हो, दोबारा क्यों लिखेंगे। बढ़ो आगे, क्या हुआ, बढ़ो ना, 17 जुलाई को आपने क्या किया, M1 को बेच दिया। तो मेरे बच्चे 17 जुलाई को हम लोग क्या करेंगे, M1 को बेचे हैं। आप देखो, आप ऑलरेडी जानते हो, बताओ M1 की वैल्यू इसमें कितनी मिली हुई है, 20,000, है ना बच्चे, उस 20,000 के मशीन को हम बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो मशीन बेचा उस पे बाय डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, यानी कि M1 पे नील
वो तो फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, फुल्ली डिप्रिशिएट हो चुका है, तो हम क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज। ठीक है, मुझे बताइए बाई बैंक वो बिका कितने में? बाई बैंक वो बिका कितने में? 2700 में। ठीक है, 27 हो गया। मुझे बताओ लॉस आपको हुआ क्या? यस सर, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ जी? जो मशीन इसमें 20,000 का था वो 27 में बिका, तो बताइए कि 20,000 माइनस 2700 लॉस कितना आ गया? 17,300। बिल्कुल वही जो पिछले वाले मेथड में आपने निकाला था। ये भी काम खत्म हो गया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। नहीं मुझे समय पर बात करना। अरे कहता कि क्वेश्चन नंबर टू में एज्यूम करो कि 15 अक्टूबर को आपने क्या किया, ये 2000 सेकेंड वाला मशीन भी बेच दिया 9,000 में। तो कब? 15 अक्टूबर ना, तो लिखो ना यहां पे 15th अक्टूबर को 23 में हमने सॉरी बेचा है, बेचा इस साइड आएगा 15, माफ कीजिए यहां पे आ जाएगा 15th अक्टूबर को, अक्टूबर 23 में हमने सेकेंड मशीन बेच दिया। बताओ इसमें सेकेंड मशीन कितने का है? नील। तो मुझे बताओ जो नील है उस पर हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? नील, उस पर तो कुछ चार्ज करना नहीं है, फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, जो वैल्यू यहां पे नील का था, याद रखना इसमें वैल्यू कितना है वो नील, मुझे बताओ वो बिका कितने में है? बाई बैंक अकाउंट बिका कितने में? सर 9,000 में। ओहो, अरे जो वैल्यू आपके पास नील था वो 9 में बिक गया, तो 9 का फायदा हो गया, और जो 9 का फायदा हो गया, चलो अच्छा लिख दिया मैंने यहां पे, यहां पे हम क्या बोल देंगे? टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 9,000। अल्टीमेटली इसमें से हमें कितना वैल्यू माइनस करना था? नील वैल्यू माइनस करना था, तो नील जो माइनस करना था वहां पर 9,000 माइनस हो गया। कोई बात नहीं, यहां लिखा नहीं, यहां आ गया, इंपैक्ट खत्म, खत्म हो गई बात आपका। ठीक है ना, और कुछ है? नहीं सर, अब कुछ नहीं है मेरे बच्चे, देख सकते हो आप यहाँ पे। मैं अब आ जाऊंगा क्या जी, अब साल के एंड में, साल के एंड में, और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जल्दी से इस साल का चार्ज कर लो डेप्रिसिएशन। तो आपका साल का एंड यानी कि 31st दिसंबर है ना, बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा जी? तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा किसके ऊपर में? पहला दूसरा तो खत्म हो चुका, यानी कि M18 और आपका M21, M आपका 22, तीन मशीन, और डेप्रिसिएशन कितना? इतना ही तो होगा। सॉरी कहां चला गया वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? ये चार्ज किया था M18 पे 50, 40 एंड 15, निकाले ना वही आएगा 50, 40 एंड 15, 1,05,000। अब 31st दिसंबर को आप लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस सीडी, और इस बाय बैलेंस सीडी में M18 की वैल्यू, M21 की वैल्यू और M आपका 22 की वैल्यू, बताओ कितना? मेरी बात सुनोगे एक बार, मेरी बात सुनोगे? अरे स्टार्टिंग में M18 350 का था, 350 में कितना 50 डेप्रिशिएट हो गया, तो 3 लाख की वैल्यू बच गई। M21 स्टार्टिंग में 820 का था, 820 में 40 गया, तो 780 की वैल्यू बच गई। क्या कराऊं मैं इस क्वेश्चन को? और 85 में 15 डिप्रिशिएट हो गया, तो 70 की वैल्यू बच गई। ये आपका 850 हो गया और 3,1150 हो गया, ये 1150 लिखा आपने और काम खत्म हो गया, दोनों साइड आपका टैली कर जाएगा, है ना, कर लेना टैली यहां पे। मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत बकवास लगा, बहुत बकवास लगा। आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हैं? जब भी आपको मन करे, सुबह शाम दोपहर रात, आपकी मर्जी, आप मुझे बता देना जब भी आपको मन करे। आओ ना ऐसा ही मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने कहा था कि आज हम बातें ऐसी चलेंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होंगी, तो इसी प्रोसेस में मैं आपको आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 16th कराना पसंद करूंगा। 16th क्वेश्चन ये कॉपी कर लिया होगा आपने, मुझे विश्वास है। मैं इसको बंद करूंगा, मुझे अब इस पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं अपने उसी पेज पे आऊंगा जिस पे मैं हमेशा आपको बताया करता हूं, ठीक है ना? वो मेरा नोट 5, इसमें मुझे प्यार है, ठीक है ना? तो आइए जरा एक बार आप मेरे साथ 16 क्वेश्चन देखेंगे क्या निकल के आता है। लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th। आप लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th, यहां पे 16, पढ़िए मेरे साथ क्या बता रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है।
पढ़ो ना। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, इसको हटा के इसको प्रॉपर करता हूं मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बता रहा है, पढ़िए आप मेरे साथ। कहता है कि अ फर्म प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2015। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहां भी लिख लेंगे आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि फर्म प्लांट मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2015 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलो। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, पता है क्यों? इस बदमाश ने क्वेश्चन में जो ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल में, उनका प्लांट मशीनरी का कॉस्ट बताया और साथ ही साथ आज तक का उन्होंने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बता दिया। आप याद कीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना हमने निकाला था मेरे बच्चे, हमने मेहनत किया था। यहां तो बदमाश ने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दिया है, मेहनत कम हो गया। गुस्सा आ रहा मुझे थोड़ा सा, बट कंट्रोल करो अपने ऊपर में। आगे पढ़ना, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। और गुस्सा आ गया मुझे, इस बदमाश ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दिया। काश हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताता, उसी तरीके से वो लाइफ और वो बोलता तो मैं उसके हिसाब से काम करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करो, आ जाओ जरा यहाँ पे। कहता है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, इट इज द कंपनी पॉलिसी टू एज्यूम दैट ऑल परचेज सेल एंड डिस्पोजल ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30 जून इन द रेलिवेंट ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट ऑन विच दिस इवेंट्स अकर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि आप कभी भी परचेज करो, हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। यहां पे कहता है कि आप कभी भी परचेज करो, सेल करो, हम ये मानेंगे कि वो एक्टिविटी आपका 30 जून को हुआ है। 30 जून को होने का मतलब कि 6 महीने का आपको उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपका ईयर जो है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। देखो ऊपर में बैलेंस जो था मशीनरी का वो 1 जनवरी लिखा, फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, तो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को हो रहा होगा, यानी कि 6 महीने का हमें जिस साल में परचेज हुआ या सेल हुआ उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, चाहे कोई भी डेट दिया रहे, कोई भी डेट आपका। ठीक है, आगे पढ़ना। कहता कि परचेज ऑफ प्लांट ड्यूरिंग 2015, लिख रहा आप उसके, पढ़ रहे उसके आगे, ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू प्लेस। परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख, 15 लाख का हमने परचेज किया है। अब डेट से कोई मतलब नहीं क्योंकि 6 महीने का चार्ज करना डेप्रिसिएशन। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर 170 वाज स्क्रैप्ड। मेरे बच्चे, जो 2004 में परचेज किया था, देखो ना एक बार टेबल देखो ना ऊपर वाले में, 2004 में आपने वो प्लांट मशीनरी जो टोटल जो आपने परचेज किया था वो 3 लाख रुपए का था। देखो प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट में 3 लाख लिखा है, यानी कि उस 3 लाख में बच्चे एक मशीन जो 170 का था ना वो स्क्रैप्ड हो गया, मतलब कि वो बर्बाद खत्म हो गया। अब देखो क्या स्क्रैप्ड के बाद कुछ सेल प्राइस बता रहा है, नहीं, हमने कबाड़ी को फ्री में दे दिया, यानी कि कोई चार्जेस नहीं लिए वहां पे। ठीक है, आगे पढ़ना। प्लांट दैट हैड बॉट इन 2005 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000। अच्छा, 2005 में हमने टोटल प्लांट कितने का परचेज किया है, देखो ऊपर वाले टेबल में 10 लाख का, तो उसमें से कोई प्लांट है जो 90,000 का है जो हमने 5,000 रुपए में बेच दिया है। और कहता है कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 240 वाज सोल्ड फॉर 15,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजन यू शुड बियर इन माइंड दैट इट इज द कंपनी पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एज ए कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम तो हमेशा करते हैं कि जो मशीन बिका उसका हम अलग अलग प्रॉफिट निकालते हैं जी, खामखा टाइम बर्बाद कर रहा है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट ड्यूरिंग 2015। क्या जी प्लांट मशीनरी बनाओ एट कॉस्ट, वो तो कॉस्ट पे ही बनेगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन हम बनाएंगे और डिस्पोजल ऑफ प्लांट मशीनरी यानी कि प्लांट मशीनरी सोल्ड अकाउंट हम तो बनाते ही बनाते हैं। आओ जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या खास बात है, तो शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे। हमें इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम की रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली। आप यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर में आप क्या कर रहे हैं जी, आप लिख रहे हैं यहां पे मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका। ठीक है ना, ये हमने क्या किया यहां पे रेडी किया।
और ये लीजिए प्लांट मशीनरी अकाउंट, ये हमने रेडी किया बच्चे। आप एक काम करो, फर्स्ट जनवरी 2015 लिखिए यहां पे टू बैलेंस बीडी, और याद रखना कॉस्ट पे, क्योंकि प्रोविजन है आपका। तो देखो सारे मशीन का कॉस्ट ऐड करके बता रहा, वो 30 लाख रुपीज का है। एक काम करता हूं ना, मुझे वर्किंग ज्यादा करना होगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ये ठीक है, और यहीं पे मैं बना देता हूं, क्योंकि एक साल की अकाउंटिंग करना है, बहुत लंबा कुछ काम करना नहीं है। तो मैं यहीं पे अभी हाफ पेज में इसको और हाफ पेज में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए। इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस निकाल के दिया हुआ है, यानी कि 1 जनवरी 2015 को बाय बैलेंस बीडी अमाउंट कितना आपका जी 21,35,000, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब आगे बात ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। कहता मेरे बच्चे नीचे आइए, एक मिनट, नीचे आप आएंगे यहां पे क्या बता रहा आपको। कहता है कि डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है, इट इज द कंपनी टू पोल, ठीक है वो समझ में आ गया, 30 जून को मानते हुए करना है। एक कहता है कि प्लांट मशीनरी हमने 15 लाख का परचेज किया है, तो डेट तो नहीं बता रहा ना, सीधे लिखो यहां पे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये हमने कह दिया कितने का आपका 15 लाख रुपीज का हमने परचेज किया है, ठीक है। आगे पढ़ना यहां पे और क्या बता रहा मैं, कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन आपका 2004 फोर रुपीज 1,70,000 वाज स्क्रैप्ड। तो एक बार ना हमें देखना होगा वो प्लांट के बारे में, तो एक काम कीजिए मैं उसका नाम दे देता हूं ना, अब तो पहले यहां पे इसका नाम लिख दो जी, इसका नाम ये करंट ईयर में है 2015 वाला लिख दो यहां पे, और मैं यहां लिख रहा हूं बाय, हम उस मशीन डेट नहीं बता रहा वो कि कब, तो सिंपली बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, या शॉर्ट के लिए मशीन सोल्ड अकाउंट, और ब्रैकेट में कौन सा मशीन है वो 04 वाला, तो ब्रैकेट में 04 वाला, ठीक है ना, वो हमने हटा दिया। इमीडिएटली क्या कीजिए आप यहां पे मशीन सोल्ड अकाउंट ओपन कीजिए, मशीन सोल्ड मशीन डिस्पोजल कुछ भी 04 है ना, ये हमने ओपन किया, और यहां पे हम क्या करेंगे उन बातों को बताएंगे। तो आप एक काम करो बाय मशीन सोल्ड, कितने की मशीन है जी, कौन सा आपका 2004 वाला, चेक करो आपके ऊपर वाले टेबल में बता रहा है कि जो 2004 में मशीन परचेज किया गया था मेरे बच्चे, वो ऐसे तो टोटल 3 लाख का था, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में कहता है उसमें से जो मशीन स्क्रैप्ड हुआ उसकी कॉस्ट आपका 170 है, तो हमने क्या किया 170 यहां से हटा दिया, सारे मशीन नहीं, वही मशीन जिसका कॉस्ट आपका 170 है, एंड मशीन सोल्ड में यहां क्या बोला जी टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसके उसकी कॉस्ट 170 यहां पे आ गई आपका 170 आपका, ठीक है ना। इस 170 का जो मशीन है अब हम इसकी यहां पे अकाउंटिंग करेंगे, क्या करना होगा, तो 170 का मशीन चेक कीजिए, इसमें हमने आज तक डेप्रिसिएशन कितना जमा किया है, बहुत ध्यान से देखो वहां पे ऊपर वाले टेबल में कि जो 2004 का मशीन है मेरे बच्चे 3 लाख कॉस्ट है और पूरे 3 लाख रुपए का हमने उस पर प्रोविजन बना लिया है। अरे 3 लाख रुपए उसका कॉस्ट है, सारे मशीन की कॉस्ट 3 लाख है और सारे मशीन पे पूरे 3 लाख रुपए का आपने प्रोविजन बना लिया है, मतलब मशीन फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, बोलो ना, हमने आज तक पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है। तो उस केस में जो आपका 170 का मशीन रहा होगा, अगर 3 लाख पे हमने 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, तो बताओ 170 के मशीन पे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा, 170 पूरा अमाउंट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे टू आपका कौन सा अकाउंट है, मशीन सोल्ड अकाउंट, मशीन सोल्ड अकाउंट ब्रैकेट में 04 है ना, जो 2004 में परचेज किया था। तो यहां पे और हमने यहां पे क्या बोल दिया जी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हमने क्या किया है कि 170 का वैल्यू निकाल दिया। समझो मेरी बात ना, अगर मशीन टोटल जो थे वो 3 लाख के थे, तो 3 लाख पे 3 लाख का आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जमा किया था, अगर हमने 170 का मशीन, तो पूरे 170 याद कीजिए,
आपका वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, बेटा वन बेटा टू, तो जिस बेटे को बेचा उसी के नाम का तो प्रोविजन अलग करेंगे, वही काम किया हमने यहां पे, ठीक है। और ये फुली स्क्रैप्ड हो गया मेरे बच्चे, मतलब कि इसको बेचकर आप देखो कुछ पैसा हमें मिला है क्या, बाई बैंक कुछ पैसा मिला है, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, जितना वैल्यू था उतना हम डिप्रिशिएट कर चुके हैं, कोई फायदा घाटा हुआ नहीं क्योंकि बेच के कुछ मिला नहीं है, तो ठीक है खत्म हो गई बात आपका, है ना, क्लोज कर दिया हमने, हमने मशीन सोल्ड फोर्थ अकाउंट बना लिया। इसके बाद आप चेक करो फिर से एक मशीन जो 05 में परचेज किया था 90 का वो भी बेच दिया, तो फिर से आप करेंगे यहां पे बाय मशीन सोल्ड अकाउंट, मशीन सोल्ड और ये कौन सा ब्रैकेट में 05 वाला, हमें इसका भी अकाउंट ओपन करना होगा। वो कह रहा है कि सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट ओपन करके प्रॉफिट लॉस निकालो, वो नहीं कहता तो भी हम यही काम करते हैं, है ना, 04 मशीन, अब 05 वाला देखते हैं क्या निकल के आएगा। ये लीजिए बताओ ये मशीन की कॉस्ट कितनी है जी, पॉइंट नंबर 3 पढ़ के 90,000 हटा दो यहां से, 90,000 जो मशीन बिक गया उसको हटा दीजिए 90,000, और उसको आप यहां लेकर आइए, आप क्या बोलेंगे टू प्लांट मशीनरी अकाउंट 90,000 का है। हमें करना क्या होता है, एक तो मेरे बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अमाउंट निकालिए जितना इस पे जमा हुआ पड़ा है, बेच के जो पैसा मिला बाई बैंक अकाउंट, इसको बेचा है ना, कितने में बेचा है जी, देखो ना पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि ये बिका 5,000 में, तो 5,000 में फिर हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। हमारा काम पहले यहां पे क्या करना होगा, हमें जानना होगा वो आपका प्रोविजन कितना है। तो एक मशीन और बिका है ना शायद, हाँ एक मशीन और बिका है, जगह छोड़ के फिर आप वर्किंग कीजिए, मैं यहां वर्किंग कर देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 05। या फिर मैं आपको ठीक से क्यों ना दिखा दूं, आप लिखो यहां पे, माफ कीजिए गुस्सा नहीं करना कि क्यों मिटा दिए, मैं पूरा वर्किंग दिखा देता हूं ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, सब कुछ दिखा दूंगा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एम कौन सा था 05, ये कर देता हूं, ठीक है ना। तो आप पहले कहना कि कॉस्ट ऑफ एम 05 सोल्ड, जो मशीन बिका बताओ उसकी कॉस्ट कितनी है, 90,000 लिखो यहां पे, 90,000 रुपये लेस आप इसमें माइनस कीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना पैसा है। अब ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से, ये कौन सा मशीन की बात की जा रही है, 05 वाले में, 05 वाले में, ठीक है। तो मैं ना अब 05 वाले में आपको बता रहा हूं यहां पे क्या होगा, एक काम करो आप कि पहले 05 वाले में डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, याद है ना जब भी कोई मशीन बिकता है हम उस पर क्या करते हैं, इस पे तो कुछ डेप्रिसिएशन होगा नहीं, तो फुली डेप्रिशिएट हो गया था, ये जो मशीन बिक गया मेरे बच्चे वो फुली डेप्रिशिएट पहले सो चुका था, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये जो मशीन है ना हम उस पे चार्ज करते हैं बाय आपका डेप्रिसिएशन, कौन सा आपका एम 05 पे, मतलब जो मशीन बिक गया हम उसके ऊपर में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, देखो कितना निकल के आएगा। हमें यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो रहा है, कि जो मशीन आपका बिका है 05 वाला, हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं बच्चे, कहां मैं दिखाऊं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है यही दिखा देता हूं, कौन उतना लेगा मुझे बताओ जरा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है जी, ऑन कॉस्ट, इसलिए मेथड चल रहा बच्चे, इसलिए मेथड आपका। तो मैं क्या करूंगा कि जो मशीन बिक गया ना उसकी कॉस्ट कितनी है 90,000, यही दिखा देता हूं 90,000 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो हमने वो 10% ले लिया। और आपने क्या करना है जी, 6 मंथ्स का, क्योंकि जिस साल में मशीन बिकेगा परचेज होगा हम 6 महीने का चार्ज करते हैं, तो आपने क्या करना है 6/12 6 महीने का, तो 9,000 और ये आपका 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन निकल के आ गया।
4500 का, ठीक है ना, ये काम पूरा हो गया आपका। यस सर, अब सुनो मेरी बात, यहां पे टोटल प्रोविजन कितना हो गया जी, ये देखो कैसे करेंगे, चेक करो 05 वाले पे, यानी कि जो तीसरा मशीन है उस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है। देखो देखो यहां पे 05 वाले मशीन पे मेरे बच्चे कहता है कि 9,50,000 का आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितने रुपए के टोटल मशीन पे, 10 लाख पे, 10 लाख पे, है ना, कॉस्ट पे, है ना। तो जो 9,50,000 का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे यहां दिया हुआ है वो 10 लाख रुपीज के मशीन पे आपका है, 10 लाख रुपए के मशीन पे, 10 लाख के मशीन पे। हमने जो मशीन बेचा वो सिर्फ 90 का है, तो पता करो कि प्रोपोर्शनेटली 90,000 पे अमाउंट कितना है जो हम लोगों ने पहले से चार्ज करके रखा हुआ है। यानी कि जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर में जो मशीन बिक गया उसके नाम का डेप्रिसिएशन कितना वो निकालिए, और उसमें आप ऐड करो कितना जी, ये आपका 4500, 4500 रुपए आपका, ये हम 4500 रुपए इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बताओ कितना निकल के आ रहा है, बताओ कितना निकल के आ रहा है। तो हमने कहा कि वो 9,50,000 डिवाइडेड बाई आपका 10 लाख, ठीक है ना, और आपका इनटू 90,000, तो 85,500 रुपीज का आपका पहले से डेप्रिसिएशन है, और 4500 रुपीज का हमने इस पर और चार्ज किया, 45, ये 90,000 हो गया, 90,000 मेरे बच्चे टोटल अमाउंट, मतलब कि टोटल आपका कितना आ गया, 90,000, यानी कि हम लोगों ने आज तक 90,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया, हमने पहले देखा कि इसमें जो मशीन बिक गया ना, इसमें जो मशीन बिक गया उसके नाम का हमने कितना जमा करके रखा हुआ है, तो हमें ये दिखाई दिया ये उस मशीन के अंदर है जो कि 05 वाला है मेरे बच्चे, 05 वाला यानी कि टेबल में जो थर्ड मशीन है, हमने देखा कि आज तक हम 950 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लाख के ऊपर में, तो 950 10 लाख पे चार्ज हो चुका है, तो 90 पे कितना, 90 जो मतलब जो बिक गया उस मशीन के ऊपर कितना जी, तो हमने वो निकाल लिया प्लस करंट ईयर का, मिलकर 90,000 हो गया। तो 90 के कॉस्ट में 90 का डेप्रिसिएशन, यानी कि अब जो बुक वैल्यू निकल के आ गया, बुक वैल्यू कब, ऑन डेट ऑफ सेल, ऑन डेट ऑफ सेल आपका वो कितना आ गया, नील, यहां पे नील है ना, क्योंकि फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, और इसको हम लोगों ने सोल्ड फॉर, सोल्ड फॉर हमने कितने बेच दिया जी, 5000 में, 5000 रुपए में, तो पूरे 5000 हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। सर एक सवाल है, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, मैं सवाल का जवाब खुद दूंगा, आप पहले करो यहां पे, आप बस एक काम कीजिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लिखो यहां पे टू मशीन सोल्ड ब्रैकेट में 05 वाला हमने कितना निकाल लिया टोटल, 90,000, 90 का मतलब कि जो इसमें था प्लस ये मिला के आपका ये हो गया 90,000, और बेचा कितने में जी, यहां 90 लिखा तो यहां लिखिए अब यहां पे 90,000, तो जो 90,000 का था 90 डेप्रिशिएट हो गया, अब वैल्यू कितना रह गया, जीरो, बिका कितने में, 5, तो पूरा फायदा हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 5000 रुपए, है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, और ये भी हमने यहां पे क्लोज कर दिया, खत्म होगी बात आपका। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये बात मैं आपको बस मतलब कि खुशी देने के लिए नहीं करता, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि ये आप ही हो जो इन कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने की शक्ति रखते हो। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट जो हम लोगों ने पहले से डेप्रिशिएट किया है, प्लस ये जो अमाउंट इस बार हमने चार्ज किया, अगर ये दोनों अमाउंट मिलकर 90 के जगह पे, मान लो मैं चेंज कर रहा हूं, आप चेंज नहीं करेंगे, मान लो ये आपका आ जाता 92,000, मान लो 92,000, तो क्या ये फिजिबल था, बोलो क्या 90,000 के मशीन पे आप 92,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो मेरे बच्चे, क्या वो अलाउड है, नहीं अलाउड है। टू द मैक्सिमम हम कितना चार्ज कर सकते हैं जी, जितना कॉस्ट है, अभी दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर कॉस्ट होगा उसको तो डेप्रिसिएशन उसके आगे चार्ज हो ही नहीं सकता। अगर कोई सामान हमने 90 में परचेज किया तो 92,000 हम प्रॉफिट लॉस में खर्च कैसे दिखा सकते हैं जी, अलाउड ही नहीं है। सर फिर क्या करते हैं, फिर मेरे बच्चे ये अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड करके अगर यहां पे 92 आता तो आप यहां पे 90 ही लिखते,
90,000 ही लिखते, आप 92 नहीं लिख सकते। और आप देखते हैं कि ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट कितना है, तो हमें क्या दिखाई दिया कि भैया ये 92 आ गया ना, तो 92,000 में इस अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट आता ना, वो सिर्फ इस साल का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दोबारा सुन लो, अभी इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मैं दोबारा बताऊंगा, बट मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि यार जो डेप्रिसिएशन पिछले साल तक आप चार्ज कर चुके हो और इस साल जो आपने मशीन सोल्ड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा, दैट कैन नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना मेरे बच्चे अलाउड ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, फिजिबल ही नहीं है, लॉजिकल ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मान लो इन दोनों को ऐड करके 92 आ जाता है, तो बोलना कि इतना नहीं हो सकता जी, फिर यहां पे सिर्फ 90 रहेगा। और 90 यहां पे रख के फिर क्या बोलना कि 90 में ये चेक करना कितना है, उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा बस वही यहां पे लिखा जाएगा, वही यहां पे लिखा जाएगा, और उतना ही आप यहां पे डेप्रिसिएशन का खर्च दिखाएंगे, है ना। यानी कि टू द मैक्सिमम हम यहां पर कितना निकालेंगे, 90 ही निकालेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, अभी इसी क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन और आगे आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। वो कैसे बोल रहा हूं मैं यहां पर, पहले इसको साफ कर लूं। यहां तक हमारा हो गया, हमने मेरे बच्चे M4 भी हटा दिया, M5 भी हटा दिया, धीरे धीरे मैं और आगे चल रहा हूं। और देखो ना, अगला मशीन कौन सा है, फोर्थ मशीन, फोर्थ पॉइंट कहता है कि प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006। अच्छा, वो अब अगला मशीन की बात कर रहा हूं, वहां पर वो पॉइंट शायद आ जाए। जो 240 का था वो कहता है कि हमने 15,000 में सेल किया है, ठीक है, आइए जरा उसका भी काम कर लीजिए। एक फिर से आपका बाय मशीन सोल्ड, और ब्रैकेट में कौन सा मशीन है, ये कहता है जो 2006 में, 2006 में जो आपने परचेज किया था, हटा दो उस मशीन को, कितने की कॉस्ट है, 240 लीजिए। हमने उस 240 के मशीन को हटा दिया और जल्दी से हमने एक नया मशीन ओपन किया, मशीन सोल्ड अकाउंट, इस बार कौन सा, 2006 वाला, हमने इस अकाउंट को यहां पे ओपन किया। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस लेंदी कर दिया खामखा अननेसेसरली। तो हमने क्या किया जी, यहां पे यहां लिखेंगे हम टू प्लांट मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना, ये 2,40,000 हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जितना अमाउंट चार्ज हो चुका है वो हम यहां से निकालेंगे, जितने में बिक गया बाई बैंक अकाउंट, और जो लॉस प्रॉफिट होगा हम देख लेंगे बाद में, बिका कितने में वो बता दो आप यहां पे, 15,000 में, ये तो लिख सकता हूं। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा जी, फिर से यहां पर लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन, कौन सा मशीन, M06 पे, आप देखते हैं कितना चार्ज किया जाएगा M06 पे, तो हम वो भी काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वर्किंग को हटा देता हूं, इस वर्किंग को हटा देता हूं, ये लीजिए। ये क्वेश्चन ना बिना प्रैक्टिस किए बगैर एक बार दो बार आपके हाथ ठीक से नहीं बैठेगा, इसलिए प्रैक्टिस आज घर में जरूर दोबारा कर लेंगे। तो वर्किंग नोट्स नंबर आई थिंक थर्ड है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और मैं अगेन लिख रहा हूं यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M06 पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस आपका। अगेन उसी तरीके से मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ M06 सोल्ड ऑन कब जी, 2006 में, जो हमने सॉरी ऑन का कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है इसकी कॉस्ट कितनी है, 2,40,000। लेस कीजिए आप इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन टिल डेट, इसका मतलब क्या हो गया जी, लिख दो दोबारा, डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक हम लोग कितना चार्ज किया है, टिल डेट आपका, ठीक है ना। तो मैं वही काम करूंगा, ये 06 वाला देखना होगा जी, हमें दिख रहा है कि भैया 5,95,000 का इस पे हम लोगों ने पिछले साल के एंड तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, जब टोटल की कॉस्ट आपका 7 लाख की थी, 7 लाख पे। तो हमने जो प्लांट मशीनरी बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 240। तो एक तो पहले ये देख लो कितना निकल के आता है, प्लस जो करंट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 महीने का, और वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा मैं यहां दिखा देता हूं, SLM मेथड है। तो 2,40,000 पे आपका 10% और अगेन नो डाउट की 6 मंथ्स का, 6 महीने का, बताइए कितना, 12,000 आ गया, 12,000 रुपए आपका, है ना, ये 12,000 आ गया।
तो मेरे बच्चे आपने क्या किया, एक तो ये अमाउंट प्लस ट्वेल्व थाउजेंड। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि इन एनी सर्कमस्टांसेज दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 240 का अमाउंट, ठीक है ना। तो मुझे बताइए 595 अगर हमने आज तक चार्ज किया है 7 लैक्स पे, तो फिर आपका 240 में कितने पे है, वो 2,04,000, 2,04,000 और प्लस 12,000, तो ये तो ठीक है 216 आ गया। यानी कि हमने क्या किया बच्चे, ये टोटल आपका आ गया कितना 2,16,000, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारे पास 24,000 की वैल्यू बच गया, हम इसको क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, है ना, क्योंकि आज तक का हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। और इसको सोल्ड फॉर हमने बेचा कितने में है जी, 15,000 में। तो मेरे बच्चे 9,000 का आपको यहां पे लॉस ऑन सेल हो गया, लॉस ऑन सेल 9,000 का, एंट्री करो ना पहले तो ये हो गया ना तो यहां पे टू मशीन सोल्ड आगे ब्रैकेट में सॉरी 06 जो मशीन बिक गया उस पे हमने कितना निकाला अमाउंट, देखो वो 216 है ना, और फिर हमने क्या किया जी यहां पे 2,16,000 आपको लॉस हुआ है, तो हमने कहा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 9,000 और ये आपका क्लोज्ड हो गया 240 प्लीज कॉपी करेंगे आप, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, मतलब आपको दिख रहा होगा इट्स ए लेंदी क्वेश्चन बट देर इज नो कॉन्सेप्ट एट ऑल, कोई कॉन्सेप्ट थोड़े इसके अंदर में जो आपको नहीं आता, यू नो एवरीथिंग, यू नो नाउ एवरीथिंग। अब मेरे बच्चे कुछ बचा नहीं है, तीनों मशीन हमने बेच दिया, साल का एंड है, तो साल के एंड में एक काम करो ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करो जो बच गया उसके ऊपर में, यानी कि साल के एंड में 31/12/2015 को हम यहां पे क्या बोलेंगे, अगेन बाय डेप्रिसिएशन। मैं यहां पे जगह कम है, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं पूरा अमाउंट, तो मैं इसको हटा दूं, ये हटा दूं बच्चे, ये सर, तो मैं इसको हटा के, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट समझना, अच्छा चीज और कुछ भी नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, अब स्टार्ट करता हूं डेप्रिसिएशन, लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 4th, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग। मैं इसको मिटा दूं क्या, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट अब रही नहीं, अब आप समझ गए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि होच पोच ना हो आपके दिमाग में, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, वर्किंग नोट नंबर फोर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एग्जिस्टिंग मशीन्स कब जी, एज ऑन आपका 31/12/2015। आओ शुरू करते हैं, पर बच्चे हमारे पास कौन कौन सा मशीन एग्जिस्ट कर रहा है, देखो जरा 98 वाला मशीन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो लिख देता हूं M98 वाला, उसका नाम दे देता हूं, एक आपका है M2004 वाला, सारे मशीन एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे एग्जिस्ट तो सारे कर रहे हैं क्योंकि हमने पार्ट पार्ट ही बेचा है, अगर कुछ बेचा भी तो उसका पार्ट, M06 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, M आपका 13 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है और M आपका 14 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है। चलो मुझे बताओ M जो आपका 98 है उस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा, देखो जरा पहला वाला मशीन 2,00,000 रुपए कॉस्ट था बच्चे, पूरे 2,00,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप बना चुके हैं, देख लो ना वहां पे 2,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए, तो इस पे तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब ही नहीं बनता, वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है ना। जो सेकेंड वाला मशीन है 2004 वाला, वो भी फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, 3 लैक्स पे पूरे 3 लैक्स है। अगर आप कहते हो कि सर डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाएगा वो तो बता दो, तो देखो हम एसएलए मेथड है ना बच्चे, तो अगर वो एसएलए मेथड है तो मैं क्या करूंगा जी, 3 लैक्स में
इसमें से जो मशीन बिक गया कौन सा था, पॉइंट नंबर टू में 170 का मशीन बिक गया है, 170 का मशीन बिक गया है, तो जो मशीन बच गया उसी पे तो चार्ज करूंगा, है ना, और जो मशीन बच गया उस पे चार्ज कर रहा हूं जी। और किस रेट से, आपका रेट आपका 10% है, लेकिन कितने समय का, जीरो पीरियड का, जीरो क्यों, वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, देखो ना, 3 लाख आपका, तो फिर काहे का डेप्रिसिएशन, है ना, तो यहां भी क्या होगा, नील होगा। मतलब ये मैंने अननेसेसरी आपको दिखाया, सिर्फ बताना चाहता हूं कि अब जो बच गया मशीन, समझो उसी पर हम चार्ज कर रहे हैं, जो मशीन बिक गया ना वो 170 वाला वो तो आपका हो चुका है, और उसपे सर कहां चार्ज किया, अरे कुछ चार्ज करना ही नहीं था, लो मैं लिख देता हूं बाय डेप्रिसिएशन, वो जो आपका 04 वाला उस पर तो कोई चार्ज करना ही नहीं था, जो बिक गया वो तो फुली डेप्रिशिएट हो चुका था, लिख दिया मैंने आपके लिए, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब M05 पे आइए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, यहां पे वो पॉइंट आपको समझना है मेरे बच्चे। M05 पे, M05 में मेरे बच्चे मशीन की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख में से जो मशीन बिक गया वो कितने का था, 90,000 का, हटा दो, क्योंकि 90,000 वाले पे हमने ऑलरेडी 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, वो तो खत्म हो गया, बाकी पे हम चार्ज कर रहे हैं। रेट कितना लगेगा आपका, 10%, और पूरे एक साल का, पूरे एक साल का, है ना। तो मुझे बताइए कि 10 लाख में, क्योंकि जो बिक गया ना उस पे सिर्फ 6 महीने का चार्ज करना, बाकी पे तो पूरे साल का, जो 10 लाख का है उसमें से 90,000 का मशीन हटाइए, 10% कितना हो गया, 91,000 का अमाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे, मुझे यहां पे एक चीज चेक करना होगा, मैं आपको बता दूं क्यों चेक कर रहा हूं, कि हमारा डेप्रिसिएशन 91 आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो इस पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो यहां पे आपका अलाउड है, एक बार चेक करते हैं, वो कितना, सुनो जरा कैसे निकल के आएगा, मुझे बताओ इस मशीन का कॉस्ट कितना है जी, 910, जो मशीन बच गया 10 लाख में से 90 हटा वो कितने का है, कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट वो आपका है 9,10,000, 9,10,000 रुपए कॉस्ट। जरा मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन इस पे टिल लास्ट ईयर हम कितना चार्ज कर चुके हैं, लास्ट ईयर तक कितना चार्ज कर चुके हैं। तो आप कहना कि देखो जी, देखो ना, M05 पे 9,50,000 का, 9,50,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए पिछले साल तक, जब टोटल मशीन की कॉस्ट कितने की थी, 10 लाख रुपए। देखो कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे मत देखो मुझे, आप देखो ना कि 950 का जो डेप्रिसिएशन है, थर्ड वाले मशीन की बात कर रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना है, 10 लाख रुपए, तो 950 हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 10 लाख के ऊपर में। तो मुझे बताइए कि अगर 950 चार्ज हो चुका है 10 लाख में, तो आपका जो 9,10,000 जिस मशीन पे हम चेक कर रहे हैं उस पे हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, ये बताइए कितना आपका है। अरे हमें तो ये जो 9,50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो सारे मशीन पे है ना, जो जिस जो एग्जिस्टिंग मशीन है अभी एग्जिस्ट उस पे मैं चेक कर रहा हूं, तो हमने कहा कि भैया 950 हम चार्ज कर चुके थे पूरे 10 लाख पे, और इसमें से एक मशीन 90 वाला बिक चुका है, तो जो बाकी 910 है उस पे कितना जी, ये आ गया बच्चे 8,64,500, यानी कि डेप्रिसिएशन टिल लास्ट ईयर आपका है यहां पे अमाउंट कितना, 8,64,500 का अमाउंट। तो जरा बताओ कि 910 में इतना डेप्रिशिएट पिछले साल तक हो चुका है, तो उसका बुक वैल्यू यानी कि और जो वैल्यू हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं वो कितना निकल के आया, 910 में से माइनस कीजिए 45,500 का अमाउंट इतना। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे दुनिया में प्यारा कोई नहीं है, सच बोल रहा हूं, आप मेरी बात को मानो या ना मानो बट ये सच्चाई है। अगर आप दुनिया में मतलब कि लोग जो है ना, लोग वो अगर दिया नहीं, वो समझते जो प्रकाश वाला होता है उसको भी लेके बाहर निकले ना और ढूंढे, आपसे बड़ा कोई हीरा नहीं मिल सकता, आप वो हीरे हो। यहां देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आपके पास सोचने की शक्ति है मैं जानता हूं। मुझे ये बताओ कि आपके क्वेश्चन में जो टेबल दिया हुआ है मेरे बच्चे, जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को चेक कीजिए, यानी कि आप उस टेबल में जो थर्ड मशीन है,
हमने आज तक 9,50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, आज नहीं मतलब पिछले साल के एंड तक 9.5 लाख 9,50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10 लाख रुपीज के ऊपर में। तो हमें यह जानना है कि भैया 950 जो हमने चार्ज किया है वो तो 10 लाख के ऊपर ना, हम इस मशीन के ऊपर जानना चाहते हैं जो बच गया उसके ऊपर में। तो हमने कहा कि भैया जो बच गया उसकी कॉस्ट तो 910 है क्योंकि 90 का बिक चुका है, तो इस पे कितना, हमने कहा कि 950 10 पे तो 910 में कितना इतना निकल के आ गया। यानी कि मेरे बच्चे अब हम इतना ही टू द मैक्सिमम और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही ना कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, कॉस्ट को एक्सीड कभी नहीं कर सकता डेप्रिसिएशन। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है उसके हिसाब से 91,000 आ रहा है। आप बस मुझे इतना बता दो कि क्या मैं 91 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, क्या मैं 91 या फिर मैक्सिमम जो डेप्रिसिएशन इस पे अलाउड होगा वो आपका इतना ही होगा, बिकॉज टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड कॉस्ट ऑफ द एसेट। आपके एसेट का मेरे बच्चे जो कॉस्ट है यानी कि जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है उसको एक्सीड नहीं कर सकता। मुझे बताओ क्या मैं इसमें गलत बोल रहा हूं, क्या इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मुझे इस बात को चेक नहीं करना चाहिए, क्या मुझे नहीं देखना चाहिए कि यार 9,10,000 ही उसका टोटल कॉस्ट है, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो 9,10 चार्ज करूंगा, पिछले साल तक मैं इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं और जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है वो वैल्यू सिर्फ आपका इतना है, तो 45 और हम चार्ज कर सकते हैं। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 91 आ रहा है, तो क्या मैं 91 चार्ज करूं, नहीं चार्ज करूंगा, कितना चार्ज करूंगा 45,500। यही बात मेरे बच्चे मैं मशीन टू के बारे में आपको वहां पर समझा रहा था, वही चीज यहां पर दिखा रहा हूं। क्या हुआ, इसमें कुछ दिक्कत है? अरे बोलो ना एक बार, कम से कम पूछ रहा हूं मैं आपसे, अरे इसमें कोई दिक्कत है? ये समझने नहीं समझ सकते हम इतने बड़े बच्चे हैं यार, हम 11वीं 12वीं क्लास के थोड़े ही बच्चे, हम समझदार बच्चे हैं, हमें सब समझ में आना है, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। इन एनी सर्कमस्टांसेस कॉस्ट को आप कॉस्ट को एक्सीड नहीं कर सकते। हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी किए थे, इसमें भी कर रहे हैं, सब में वही कर रहे हैं। अगला देखिए आप 06 वाला मेरे बच्चे, चौथा मशीन 1 2 3 4 ये 7 लाख रुपीज इसका आपका कॉस्ट था, 7 लाख। ये 06 देखो 240 का मशीन बिक चुका है, 240 का, तो अब उस पर थोड़े ही चार्ज करेंगे 240। इसमें मेरे बच्चे हमें क्या करना है कि 10% का डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। तो आप मुझे बताइए कि 7 लाख में से 240 को हटा दो तो कितना हो गया 460, और 10% का डेप्रिसिएशन निकाला तो 46,000, ये 46,000 का अमाउंट आ गया। सर एक बार हम इसका भी चेक कर लें क्या, कि कहीं इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं? कर लो ना, आपको जितना करना करो, मैं तो देखते ही समझ गया कि इस पे नहीं है, आपको करना है कर लो। सर क्यों आपको देखते ही समझ में आ गया कि इस पे नहीं है? इसलिए मेरे बच्चे इस पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि याद कीजिए जो अभी तीसरा जो मशीन सोल्ड अकाउंट बनाया था ना, मैंने डिलीट कर दिया, उस पे बड़े आराम से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था। छोड़ो ना, आपको क्यों मैं ऐसे करूं, मैं आपको यहां पे दिखाई देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन नो डाउट कि मुझे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो मैं तो पूरा दिखाऊंगा। मैं इसका दिखा देता हूं, इसका चला बताओ यहां पे मैक्सिमम डेप्रिसिएशन अलाउड मैं वो देख रहा हूं यहां पे कितना अलाउड है जी करंट ईयर के लिए। तो चला बताओ कॉस्ट ऑफ ये M06 कितना है जी, तो 7 - 240 यानी कि 460 4,60,000 रुपए 460 ही मैं टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। एक बार चेक करो आपके डेप्रिसिएशन टिल लास्ट ईयर हम कितना चार्ज कर चुके हैं, लास्ट ईयर हम कितना चार्ज कर चुके हैं। तो हमें दिखाई दिया उस टेबल में कि हम लोगों ने मेरे बच्चे आपका 595 हमने 5,95,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, कितने वैल्यू पे, वो कहता है कि 7 लाख की वैल्यू पे, 7 लाख की वैल्यू पे इतना। तो अगर 7 लाख की वैल्यू पे उतना चार्ज किया था तो ये कितना रह गया 460 पे, कितना 460 पे कितना
460 पे, है ना, हम इस पे निकाल रहे हैं आपका। तो हमने कहा जी कि 595 का जो डेप्रिसिएशन है आपका वो तो आपके 7 लैक्स के ऊपर है। अगर मैं चेक करता हूँ 460 पे कितना, तो दैट इज कमिंग 391। हमने 391,000 अभी तक आपका डेप्रिसिएट कर दिया है। तो इसकी बुक वैल्यू अभी और कितना बच गया है जी, मतलब मैक्सिमम जो और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं कितना हो गया आपका 69,000। यानी कि जो मैक्सिमम अभी डेप्रिसिएशन अभी अलाउड है वो आपका कितना है जी, यहाँ पे आपका 69,000। हम चार्ज कितना कर रहे हैं 46, ठीक है, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये 69 को एक्सीड ना करे, अगर उसको एक्सीड किया तो फिर गलत होगा ना। हमने कहा हमने तो अभी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी, अगले साल दिक्कत आएगा, अगले साल देखेंगे कितना निकल के आता है, हम अगले साल आपका जो बच गया उतना चार्ज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैंने प्रूफ कर दिया, बस आपके लिए ऐसी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने दिमाग में समझ आएगा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो M13 पे आते हैं। M13 में कुछ बिका है आपका, नहीं बिका है, पूरा देखो। M13 5 लैक्स का मशीन है, 5 लैक्स का, और इस पे कितना जी 10%, ठीक है ना। अरे कहीं आप रिविजन करते समय ये मत सोच लेना कि ये डेप्रिसिएशन है, ये क्या है जी टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, और ये क्या है जी कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन, सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन। जो मशीन बिक गया ना, रिवीजन के लिए लिख लीजिए आप ताकि आपको दिक्कत ना हो। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट ऑफ मशीन। अगेन यहां भी टोटल कॉस्ट, ये आपका सोल्ड पार्ट आपका है, सेम चीज यहां भी है। अब आइए यहां पे M14 की बात कर। अच्छा ये कितना आ गया आपका यहां पे 50,000 रुपए। और M14 जो आपका 3 लैक्स का है उस पे आपका 10% कितना आपका हो गया 30,000 का अमाउंट, ठीक है ना, ये काम खत्म। एक नया मशीन लिया था जी M15 कितना, तो 15 लैक्स का मशीन था, 15 लाख रुपए का, रेट कितना 10%, बट याद रखना सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि जिस साल परचेज करोगे हम आधे साल का चार्ज करते हैं। तो ये आपका 75,000 का अमाउंट निकल के आ गया। बताइए टोटल डेप्रिसिएशन कितना। तो पहले वाले पे नील, दूसरे वाले पे 45,500, तीसरे वाले पे 46,000, चौथे वाले पे 50,000, पांचवे वाले पे 30,000, छठे वाले पे 75,000, और ये आ गया आपका 2,46,500 का। तो डायरेक्टली करो ना यहाँ पे 2,46,500, ठीक है ना। तो 2,46,500 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। फिर बच्चे अब सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग वी हैव डन, और हमें क्योंकि अगले साल चीजें कंटिन्यू करना नहीं है, इसी साल में एंड कर देना है, तो सीधे फटाफट एग्जाम में मार्क्स देना शुरू कीजिए। बाई बैलेंस सीडी इनको एड करो 45 लैक्स में जो मशीन बिक गया इनको हटाइए 45 लैक्स में से आपको माइनस करना है 170, माइनस करना है 90 और माइनस करना है 240। तो बाकी मशीन जो है वो 40 लैक्स रुपीज के आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप 2 बैलेंस सीडी निकालिए। मुझे हर एक मशीन का अलग अलग जानना ही नहीं है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अगले साल कुछ थोड़ी कंटिन्यू करना है, स्मार्ट हम लोग हैं। 21,35,000 प्लस आपका 4,500 प्लस आपका 12,000 प्लस 246,500 माइनस कीजिए 170 माइनस आपका 90,000 माइनस 216,000 ये आ गया आपका 19,22,000 का अमाउंट आपका। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे बच्चे अभी पूरे कॉन्सेप्ट थोड़े ही खत्म हुए हैं। मुझे आज और भी कुछ कराना था लेकिन आज वो समय नहीं है मेरे बच्चे की क्लास खत्म हो, बहुत सारी बातें अभी करनी है। और मैं इसमें अभी सोच रहा था कि एक क्लास और चलेगा, बट मैं कोशिश करूंगा 2 क्लास इसको लेके चलने का। मुझे चैप्टर को बहुत तरीके अच्छी तरीके से, इसकी थ्योरी, इसके प्रैक्टिकल, इसका एक एक वर्ड आपके साथ खत्म करना है। तो क्यों ना
टाइम से क्या फर्क पड़ता है, हम अच्छे से चीजें खत्म करेंगे, अच्छे से चीजें खत्म करेंगे। मेरे बच्चे आज की क्लास में यही पर रोकता हूं, आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आगे बढ़िए, इसको एक बार दोबारा प्रॉपर तरीके से रिविजन कर लेंगे, अगली क्लास में बैठेंगे और फिर वहां पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्ट्रोस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्ट्रोस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। दिस इज कोमल मिश्रा ऑफ क्लास 11। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA फाउंडेशन। हेलो, माय नेम इज अंशिका एंड आई एम डूइंग CA इंटरमीडिएट। आई एम फ्रॉम बिहार, स्टूडेंट ऑफ CUC सिंस क्लास 11 एंड नाउ इन फाउंडेशन। आई हैव परचेस्ड माय CMA इंटरमीडिएट फ्रॉम CUC एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग द CMA फाइनल। मैंने YouTube पर पहली बार तो सर के क्लास देखा, उनकी पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।